अब नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डाउन टू अर्थ मैगजीन के भी कुछ क्रूशल न्यूज जो प्रिलिम्स में मेंस में इंपॉर्टेंट हैं ठीक है वो मैंने एडप्ट कर लिया है एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 2022 2023 जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स अप्रोच इस सेशन में रहेगा तो चलिए प्रोसीड करते हैं आज के सेशन की तरफ देखते हैं यस यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद तो आगे बढ़ने से पहले बताइए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दिस इज डॉक्टर अनुराग पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डीड इन ऑफलाइन मेंटरिंग मेंटरिंग एंड पास्ट मंथ्स इन ऑनलाइन ऑन में प्लेटफॉर्म यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस दो बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है चार अटेम चार मीन दो बार पर्सनैलिटी टेस्ट टू थाउजेंड मार्क्स

आइए शुरू करते हैं सेशन तो मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड द दी लर्निंग एप सब्सक्राइब अपॉन प्लस प्लेटफॉर्म टू गेट डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री यू कैन सी आउट हेयर ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज और मेरे भी दो कोर्सेज हैं एक पॉलिटी पे कोर्स है और एक इंटरनेशनल रिलेशन पे कोर्स है प्लस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट कंसेप्चुअल कोर्सेज एंड मेनी ऑफ द कोर्सेज आर कमिंग दिस इयर प्लस कोर्सेस ठीक है और जिन बच्चों को इसके अलावा एक पर्सनल मेंटरिंग चाहिए पर्सनल मैंटरिंग पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एंड यू कैन सीट हेयर एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर चाहिए दे कैन गो फॉर एक्स्ट्रा आइकनिक सब्सक्रिप्शन तो प्लस के अलावा आईकनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं मेंटरशिप प्लान है ये और देखिए दोनों केसेस में आइकनिक वन ईयर टू तो ईयर थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन प्लस सिक्स मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन वन ईयर टू ईयर थ्री सब्सक्रिप्शन यूज अनुराग डिस्काउंट कोड टू गेट अ टेन परसेंट ऑफ इन ईदर ऑफ द केसेज आप आईकनिक लीजिए या प्लस लीजिए यूज अनुराग डिस्काउंट कोड टेन परसेंट ऑफ मिलेगा ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा फॉर नोट्स बुकलेट्स एंड पीडीएफ डिस्कशन करूंगा अगर कोई डाउट रहेंगे तो डाउट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और स्टूडेंट्स अभी एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है अगर अभी आप थर्टी फर्स्ट मार्च यानी कि आज की तारीख में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इधर प्लस और ट्वेल्व मंथ के सब्सक्रिप्शन में

डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट के है, इट्स फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बिना प्रसिल्स की तैयारी नहीं हो पाएगी स्टडिंग एल्स सॉल्विंग द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन फॉर्मेट इज समथिंग एल्स एंड फॉर दिस ट्राई टू सॉल्व एज मनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज पॉसिबल और यहीं पर फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर पाथ फाइंडर इम्पल्स एंडस जरूर से जुड़िए और सॉल्व कीजिए जितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा एंड यूज कोड अनुराग टू अनलॉक दिस टेस्ट और ये थर्टी फर्स्ट मार्च आज से ही नए बैचेस शुरू हो रहे हैं वन ईयर बैच ठीक है थ्री मंथ्स बैच यू कैन सीट हेर तो प्लस में जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए बैच कोर्सेज हैं ये बैच कोर्सेज आर अवेलेबल इट और ये अन कॉम्बैट डमिक कॉम्बैट फोर्थ ऑफ अप्रैल को फिर से होगा ठीक है एवरी संडेट इज बींग हेल्ड ठीक है एट इलेवन एम यूज कोड अनुराग टू अनलॉक दिस अन अकेडमिक कॉम्बैट यस इंडिया का लार्जेस्ट मॉक टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म सो आर ऑल ऑफ यूर रेडी स्टूडेंट्स टू स्टार्ट टूडे सेशन ऑफ करंट अफेयर्स तो यह देखिए मेरा अन अकेडमी ऐप पर प्रोफाइल अनुराग आई एम एस सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए शाम को सिक्स फिफ्टीन या सिक्स थर्टी पी एम पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन चल रहा है एमसीक्यूज 6:30 पे रह रहा है ठीक है एंड आई होप कि जो लास्ट दो दिन से स्टैंडर्ड्स हैं लेवल्स हैं क्वेश्चंस का ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग इट एंड 7:30 पीएम ऑनवर्ड्स मैपिंग सेशंस आज अफ्रीका का सेशन कंटिन्यू रहेगा ठीक है, है? चलिए शुरू करते, है, uh, करते हैं स्टूडेंट्स आज का करंट अफेयर्स का सेशन यू कैन सी दिस क्या कहते हैं तो निकालिए स्टडी करना में करंट अफेयर्स निकालिए एटलस निकालिए सिलेबस जीएस पेपर वन टू थ्री मेंस का सिलेबस एंड टेक आउट टू नोटबुक्स वन फॉर न्यूज वन फॉर एडिटोरियल एंड टेक आउट टू थ्री कलर पेन्स चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का बहुत ही मजेदार करंट अफेयर्स का सेशन और पहला न्यूज ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए लुक न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इन अगस्त है मल्लाई रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई ये देखिए स्टूडेंट्स ये नया न्यूज है और ये बटरफ्लाइज बहुत न्यूज में चल रही हैं ठीक है बटरफ्लाइज आर इन न्यूज और समझ लीजिए ठीक है समझ लीजिए स्टूडेंट्स दैट ये इसके पहले बटरफ्लाई के बारे में क्या कोई और न्यूज आया था मैंने अटैच कर दिया पूरे साल भर के न्यूज मैंने अटैच कर दिए ये देखिए यहां पे इसके पहले

बिग फ्लैप गोल्डन बर्ड विंग इज इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई ये दोनों के दोनों न्यूज ध्यान दीजिएगा द हिंदू में आए थे ठीक है और ये देखिए द हिमालयन अयन बटरफ्लाई नेम्ड गोल्डन बर्ड विंग इज नाउ इंडिया लार्जेस्ट इंडिया लार्जेस्ट ठीक है बटरफ्लाई आर रिकॉर्ड दैट द सदन बर्ड विंग हेल्ड फॉर एटी एट ईयर्स ये देखिए तो गोल्डन बर्ड विंग मार्क कर लीजिएगा लार्जेस्ट बटरफ्लाई इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई इंडिया की ये जरूर से नोट कीजिएगा ये पिछले मे 2020 का ये न्यूज है ठीक है एंड uh, इसके अलावा ये देखिए दिस आज का जो न्यूज है ये देखा जाए कहां, पे? कहां पे ये बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर किया गया ये नया बटरफ्लाई देखिए वेरी ब्यूटिफुल बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन अगस्त है मल्लाई ये टेलमी स्टूडेंट्स डू बटरफ्लाई आर बटरफ्लाई वेरी इंपॉर्टेंट टेलमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है टर्मी क्या ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स यस दे प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड एंड हैव अ लुक इकोसिस्टम सर्विसेज में सबसे ज्यादा पॉलीनेशन पॉलीनेशन इज इट कैरिड आउट बाय द बटरफ्लाइज यस ये देखिए आने वाले जो भी सवाल यहां से आएंगे मैं बताने वाला हूं डोंट वरी ठीक है अभी मैंने केवल आपको बताया गोल्डन बर्ड विंग नोट कर लीजिएगा ठीक है ठीक है ये देखिए पॉलीनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ बटरफ्लाई इन द इकोसिस्टम और यही वजह है जब बटरफ्लाई स्पीसी बहुत सारी अब भी बहुत सारी बटरफ्लाई स्पीसी खत्म हो रही हैं इट 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 बिकम्स इज द होल इकोसिस्टम आई सपोज यू एग्री और यही वजह स्टूडेंट्स बटरफ्लाई के ऊपर इतना रिसर्च शुरू हो गया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस अभी फोकस कर रहे हैं जितना हो सके बटरफ्लाइज की डिस्कवरी और उनका कंजर्वेशन यस yes. और इसमें और इसमें ये नया न्यूज ये नया बटरफ्लाई स्पीसी अगस्त मलाई में पाया गया अगस्त मलाई का है आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगस्त मलाई का मैप अगर देखेंगे हम लोग है दिस इज इंडियाज मैप हैव लुक ठीक है ये देखिए तो ये देखिए वेस्टर्न घाट्स के बेल्ट में मैं कलर मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स इज इट दिस इज द बेल्ट ऑफ वेस्टर्न घाट आई होप ऑल ऑफ यू एग्री ठीक है एंड जो सदर मोस्ट रीजन है सदर मोस्ट रीजन ये देखिए केरल और तमिलनाडु के बीच का रीजन ये देखिए दोनों स्टेट्स में इसे अगस्थ मल्लाई रेंजेस कहते हैं अगस्थ मल्लाई रेंजेस एग्री कर रहे हैं चलमी ठीक है तो यह देखिए अगस्थ मल्लाई रेंजेस

जहां पे कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज डन विद हेल्प ऑफ लोकल्स हेल्प ऑफ लोकल्स यस ठीक है अब देखिए यहां पे अगस्त मलाई बाहेश्वर रिजर्व वेस्टर्न घाट्स में सदर्न मोस्ट बेल्ट में है yes. यस और ये देखिए तमिलनाडु एंड केरला के बीच में ये मींस इट्स इट्स इन बोथ द स्टेट्स, तमिलनाडु एंड केरल एंड देखिए यहां पे कुछ सेंचुरीज है हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू इयर्स बैक सेंचुरी फाउंड इन अगस्त मलाई बास्वर रिजर्व ठीक है नहीं आएगा लेकिन नोट तो कर, कर लीजिए ठीक है नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने आर यही आया था यूपीएससी में एंड पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह देखिए पेपरा एंड शेंदूर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेन्दूर्नी यह देखिए ये तीन के तीन नोट कर दीजिएगा ठीक है गॉटेड स्टूडेंट जर्मी ध्यान दीजिए इस क्लास के ऊपर ने आर पेपर एंड शेंदूर्नी ने शेंदुरनी सेंचुरीज आर अ पार्ट ऑफ अगस्त मल्लाई बास्वर रिजर्व क्लियर और यहां से यूपीएससी सवाल उठाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि 2020 में भी और भी एक न्यूज आया था अगस्त मल्लाई पे ठीक है यहां पे एक ट्राइबल्स रहते हैं कन्नी करंस ठीक है कन्नीस कहा जाता है ठीक है आर दे इनहेबिट दिस बेल्ट कन्नी करंस जरूर से नोट कीजिएगा इनके यहाँ एक क्या कहते हैं कुछ मेडिसिन पाया गया था ठीक है दे यूज कोई प्लांट पाया गया था ठीक है आरोग्य पचा ठीक है एक प्लांट मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे कन्नी करंस आर फाउंड कन्नी करंट्स आर ट्राइबल्स फाउंड इन अगस्त मल्लाई ठीक है यस यस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट एंड कन्नी करंट्स के पास एक प्लांट है वो पाया गया था लास्ट ईयर वही न्यूज में आया था आरोग्य पच आरोग्य पच दिस वाज द प्लांट फाउंड इन अगस्त मल्लाई लास्ट ईयर अब बताइए स्टूडेंट्स आपको नहीं लग रहा इस बार नीलगिरी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अगस्त मल्लाई हो गया यहां से प्रिलिम्स के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं अभी बटरफ्लाई स्पीसी ठीक है इसके पहले कन्नी करंट्स ट्राइबल्स जिनका एक प्लांट आरोग्य पच आरोग्य पच इज द प्लांट आरोग्य नाम ही है ठीक है इट इज सच अ प्लांट नेचुरोपैथिक जो क्या कहते हैं आप कह सकते हैं इट इज सच अ प्लांट विच कैन ट्रीट एनी एंड एवरी डिजीज ठीक है इट इन द पॉइंट यहां पे ये ट्राइब्स करंट्स आर ट्राइब्स इन ये यहां पे रहते हैं ठीक है दे आर लिविंग इन दिस रीजन सस्टेनेबल यूसेज करते हैं इस बेल्ट का दैट्स इट ठीक है तो ये जरूर से आरोग्य पक्ष जरूर से मार्क कर लीजिएगा कन्नी करंट्स का कन्नी करंट इसी का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करते हैं और अगस्त मलाई के अंदर तीन सेंचुरीज पेपर एंड सेंचुरी जरूर से ठीक है एंड देखिए मुंदन थुराई टाइगर रिजर्व भी इसी के अंदर है मुंदन थ्राई टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए मुंदन थुराई टाइगर रिजर्व अब आप बोलेगा सर इतना सब याद करना जरूरी है क्या देखिए स्टूडेंट्स दो जगह दो रीजंस याद करना बहुत जरूरी है नीलगिरीज एंड अगस्त इतना पढ़ना पड़ेगा अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो दिस इज नीडेड दिस इज एट लीस्ट नीडेड नीलगिरीज एंड अगस्त मल्लाई गिव वन क्वेश्चन एवरी ईयर इतना याद रखिएगा ठीक है वन क्वेश्चन एवरी ईयर यहां से कोई ना कोई कहीं से आएगा ये देखिए ठीक है एंड एंड यहां देखिए मीन्स यहां से नी एंड मुंदन थ्राई टाइगर रिजर्व ये जरूर से याद कर लीजिए ये पहला इंफॉर्मेशन सेकंड इंफॉर्मेशन कन्नी आरोग्य पच एंड इट्स अ प्लांट विच कैन ट्रीट मेनी ऑफ द इलनेसेस और इसके पहले ये नया बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन दिस बेल्ट ये प्रिलिम्स के लिए बहुत क्रुशियल इंफॉर्मेशन अब आप बोलेगा सर बटरफ्लाई यहां भी पाया गया है अरुणाचल में भी पाया गया है ठीक है तो क्या सर इसका नाम याद करना जरूरी है क्या बटरफ्लाई का नहीं नॉट एट ऑल ठीक है बटरफ्लाई का नाम याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन बटरफ्लाईस पे क्वेश्चन आ रहे हैं टू ईयर्स बैक का क्वेश्चन केम अप कौन से स्टेट ने सबसे पहले स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैव यू सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स Which state declared the first state butterfly of India? <clears> TK? <throat> <clears throat> Clear? Getting the point? <clears> TK? <throat> तो ये देखिए ये देखिए स्टेट बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया किसने ये दो साल पहले सवाल पूछा गया था अब यहां पे इस साल क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ओवरऑल दिस न्यूज वेयर वेयर कैन दिस बी आस्ट बस सवाल ऐसे आएगा कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया ठीक है सेकेंड वेस्टर्न हिमालय थर्ड अगस्त मल्लाई रीजन ठीक है अगस्त मलाई बेल्ट फॉलोइंग रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज वीसेंट टाइम्स न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज वर डिस्कवर्ड इन रीसेंट टाइम्स इट्स नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त मल्लाई नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय इसे जरूर से नोट कीजिएगा क्लियर है नए स्पीसीज कहां डिक्लेयर कहां पर डिस्कवर किए गए अरुणाचल प्रदेश पहला लोकेशन सेकेंड लोकेशन अगस्त मल्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्लियर क्या सवाल है भाई पूछिए नहीं देखिए सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बता दूं आपको बायसवे रिजर्व इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बायसवे रिजर्व थोड़ा पढ़ लीजिएगा ठीक है बायसवे रिजर्व में बस दो जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया ठीक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया ठीक है इसके अलावा एक और क्रिटिकल पॉइंट जितने एल्पाइन रिजर्व्स हैं

एंड अगस्त मल्लाई अगस्त मल्लाई के ऊपर ये दिस क्वेश्चन कैन कम दिस ईयर स्टूडेंट अब जब मलाई हम लोगों ने मार्क कर ही लिया अब आपका होमवर्क है यहाँ पे इंडिया में कितने बायसवे रिजर्व इंडिया का मैप बनाकर मार्क करना है उसमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को फंडिंग करता है हाउ मच हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर फंडेड बाई यूनेस्को क्या यूनेस्को का भी एक लिस्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का टेलमी स्टूडेंट्स मैन एंड बायसफेयर प्रोग्राम इज देर अ लिस्ट ऑफ यूनेस्को मी ठीक है मैन एंड बायसफेयर प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें नाइन नाइन ऑफ इंडियाज क्या कहते हैं बायसोर रिजर्व्स आर इंक्लूडेड तो उसको जरूर से नेम्स याद कर लीजिएगा ठीक है अब आप बोले कि सर डिब्रू सैखो सर कैसा सवाल आ सकता है डिब्रू सैखोआ का मैंने सवाल पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शाम के सेशन में यस्टरडे एल्पाइन है कि नहीं वहां पे वेजिटेशन वेजिटेशन को लेकर सवाल आएगा अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे जो कोई भी सवाल आ रहा किसी है किसी भी क्या कहते हैं किसी भी रिजर्व को लेकर मानस डिब्रू सैवा दिहांग दिबांग इट विल ओनली आस्क वेजिटेशन मी टेल यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स आई सपोज दिस इज क्लियर और यहां से एक और बस लास्ट न्यूज गोल्डन बर्ड विंग इज इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई ये जरूर से नोट कीजिएगा बस सवाल आ जाएगा विच कंसीडर फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई गोल्डन बर्ड विंग ठीक है सदन बर्ड विंग ये देखिए ऐसे करके ऑप्शन आएंगे विच ऑफ इज लार्जेस्ट बटरफ्लाई इट्स गोल्डन बर्ड विंग फैक्चुअल क्वेश्चन एनवायरमेंट से एक दो आते हैं हर साल बी प्रिपेयर फॉर इट नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग जुड़ जाइए बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है अब जैसे ही आपने ये न्यूज पढ़ा स्टूडेंट्स चलिए जब केरल पे फोकस चल रहा है तो आइए देखते हैं केरल पे एक, केरल पे एक और न्यूज आया है लेट सी ठीक है इससे क्या रहेगा ना केरल रिलेटेड सारे न्यूज एक जगह पे रहेंगे ठीक है आइए देखते हैं एक रिवर ये देखिए डाउन टू अर्थ का मैगजीन है डाउन टू अर्थ मैगजीन का ये आ, आर्टिकल है रिवर हैज बीन रिवाइव्ड ठीक है केरला सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ये के स्टडी के स्टडी में दे रहा हूं ये वुमेन एम्पावरमेंट का केस स्टडी ध्यान दीजिएगा इफ वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट वर्क इन एनी रीजन हाउ इट हेल्प्स टू हाउ इट हेल्प्स टू गो फॉर नेचर कंजर्वेशन नेचर कंजर्वेशन ये देखिए ये डाउन टू अर्थ से बहुत अच्छा केस स्टडी इसी एडिशन से निकाला गया है तो मैं बता दूं तो अभी जो सेकेंड एडिशन आया ना मार्च का डाउन टू अर्थ का उसमें पूरा वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है ठीक है क्लियर गॉट इट स्टूडेंट्स तो ये देखिए वाटर कंजर्वेशन अब ये केरला का के, ये इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केरल की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भरतपूजा रिवर ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आ जाएगा ये रिवर कहां फ्लो करती है इंडिया में भरत पूजा रिवर फ्लोज इन केरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरल की बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है ठीक है लाइफ लाइन है लाइफ लाइन है इस बेल्ट की और ये वही बेल्ट है जहां पे अभी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्लियर स्टूडेंट्स जलमी 20 टू 30 वर्ड्स बनता है स्टूडेंट्स यहां से आपको वाटर कंजर्वेशन क्या जीएस पेपर वन मेंस में वन क्वेश्चन एवरी ईयर इन द मेंस इज कमिंग ओवर वाटर कंजर्वेशन या वाटर स्क्योरसिटी यस हर साल एक सवाल गारंटीड क्वेश्चन है आप उठाकर देख लीजिए पेपर पिछले फाइव ईयर्स का पेपर सिक्स ईयर्स का पेपर टू थाउजेंड फोर्टीन ऑन एक एक साल में वाटर स्क्योर पे सवाल पूछा गया जीएस पेपर वन मेंस में एंड इन सच अ यू कैन क्लियरली टेक आउट ट्वेंटी वर्ड्स फ्रॉम हेयर एंड अप देयर और यहां से द्स का एक सवाल भरत कोजा रिवर कहां फ्लो कर रही है इट्स केरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट जीएस पेपर टू वुमेन एम्पावरमेंट इफ एनी क्वेश्चन कम्स डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस इट्स ऑल अबाउट द वुमेन ऑफ द विलेज आर क्रिएटिंग वॉटर स्ट्रक्चर ये देखिए यहां पर वुमेन ऑफ द विलेजेस आर क्रिएटिंग वाटर स्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पॉर्मेंट इज अज द टॉपिक ऑफ जीएस पेपर टू वर्नरेबल सेक्शन ठीक है तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये भी न्यूज हो गया ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का भी न्यूज हो गया ठीक है आइए न्यूज पेपर सारे कवर होते हैं ठीक है द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस एंड लाइवमेंट

अफगान तालिबान डायलॉग और इंडिया का सपोर्ट ये देखिए डिड वी टॉक अबाउट दिस न्यूज वुमेन एम्पावरमेंट वहां पे ऐसे लिंक होगा ये देखिए वहां की महिलाओं को बताया गया है ध्यान दीजिएगा केरला की भरत पूजा रिवर के आसपास की महिलाओं को बताया गया वाटर कंजर्वेशन से कैसे उनका गांव और खुशहाल बनेगा हाउ डिल बिकम हाउ इट विल प्रॉस्पर एंड दे आर गोइंग फॉर मेरे मैंने इमेज यहां नहीं मैं डाल पाया हूं दे आर गोइंग फॉर क्रिएटिंग वाटर स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो लोग क्रिएट कर रही है वाटर स्ट्रक्चर खुद लेबर करके ठीक है और कोई नहीं काम कर रहा है ठीक है महिलाओं का पूरा ग्रुप है जाकर काम करा इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट वैसे मैं, मैंने पुटअप किया ना ये देखिए इंडिया लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वुमेन वेल ठीक है ठीक है वेल्डिंग वेल्डिंग करने वाली वुमेन यहां देखिए रिवर कंजर्वेशन मूवमेंट में जुड़ गई हैं ठीक है तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आज का सेकंड न्यूज बहुत इजी न्यूज है अब इसमें कुछ मैं एडअप नहीं करूंगा ठीक है कल ही कल ही डिस्कस किया था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आई होप यू रिमेंबर द पॉइंट स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ एशिया मीट इट वॉज नाइन्थ ठीक है इस हार्ट ऑफ एशिया मीट को इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं मैंने कल बताया था इट्स ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इस्तांबुल तुर्की में शुरू हुआ था 2011 में ठीक है इट स्टार्टेड ऑफ इन 2011 इन स्तानबुल तुर्की एंड द फोकस वाज अफगानिस्तान अफगानिस्तान इज द हार्ट ऑफ एशिया अगर ये पीस पे रहेगा और प्रॉस्पर करेगा पूरा एशिया पीस पे रहेगा और प्रॉस्पर करेगा एंड इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन दिस समिट इसके नाइन्थ समिट अभी हो रहा है कहां पे हो रहा है तजिकिस्तान आपने कल ही पढ़ा था तजिकिस्तान दुशानबे में हो रहा है नाइन्थ समिट और इंडिया वहां पे गया हुआ है ठीक है और ये देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया देखिए तजिकिस्तान दुशानबे देखिए ठीक है और इंडिया ने अभी आज क्या न्यूज है वट हैज इंडिया टॉक्ट अबाउट इंडिया टॉक्ट अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डबल पीस डबल पीस ये कैसा पीस है ये कैसा पीस है ध्यान दीजिएगा डबल पीस का मतलब है अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल पीस इंटरनल पीस इनसाइड अफगानिस्तान एंड आल्सो रीजनल पीस दिस इज दिस इज इंडियाज अप्रोच ये देखिए देश के अफगानिस्तान देश के अंदर भी पीस अफगानिस्तान देश के बाहर भी रीजनल पीस इंडिया ने कहा दोनों पे इक्वल फोकस होना चाहिए इस समिट पे इज इंडिया करेक्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इज इंडिया करेक्ट रिगार्डिंग द डबल पीस कंसेप्ट यस इस समिट में इंडिया इन दोनों चीजों पर फोकस करा दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड यू कैन यूज दिस वर्ड इन द मींस क्लियर डबल पीस नीडेड है भाई अफगानिस्तान मैंने कल बताया था इसका लोकेशन ऐसी जगह पे है ये देखिए इसका लोकेशन ऐसी जगह पे है दिस इंडिया साउथ में है सोवियत यूनियन नॉर्थ में है चाइना ईस्ट में है ठीक है एंड वेस्ट में ईरान एंड वेस्ट एशिया अब बताइए स्टूडेंट्स और बीच में ये सबके बीच में अफगानिस्तान और ये माउंटेनियस कंट्री कहते हैं ध्यान दीजिएगा लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक होता अभी तब, थीक है कभी कभी ठीक है ठीक है और यहां पे अफगानिस्तान का लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक सोवियत यूनियन इंडिया के बीच में चाइना और वेस्ट एशिया के बीच बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसीलिए ना दिस वाज द रीजन व्हाई अफगानिस्तान इज सेट टू बी द हार्ट ऑफ एशिया यस एंड दैट टू दिस दिस बेल्ट इज माउंटेनियस दिस बेल्ट इज माउंटेनियस यू कैन कीप विजिल ओवर ऑल द रीजन ऑफ एशिया यू कैन सीट बायरफोर्स स्टेशन बायमी स्टेशन दैट इट क्लियर सो ध्यान दीजिएगा डबल पीस दट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डबल पीस डबल पीस मीन इंटरनल पीस इन साइड अफगानिस्तान फोकसिंग ओवर अफगान तालिबान डायलॉग दैट्स इट अंदर में अफगान और तालिबान अफगान गवर्नमेंट और तालिबान का डायलॉग जो चल रहा है इंडिया ने कहा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई अगर इससे पीस हो जाए तो दैट्स इट एंड सेकंड इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट की अफगानिस्तान के बाहर भी पीस रहना चाहिए भाई आप लोग शांति से रहिए और बाहर के लोगों को भी शांति से रहने दीजिए इट ठीक है द मेजर फोकस वॉज तालिबान ओवर दिस टॉक्स की रीजनल पीस शुड बी प्रोमोटेड बाई अफगानिस्तान गेटिंग द पॉइंट आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस अफगानिस्तान के रिलेटिव में यह बातचीत चल रही है ठीक है और ये देखिए <laughs> Means, खुद इमेजिन कीजिए इतने सारे लोग ठीक है कोविड के समय जाकर अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं इट सिग्निफाइज इट सिग्निफाइज ऑल दिस पीपल कंसिडर अफगानिस्तान एज द पाइवेट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन एशियन रीजन यस पाइवट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी देखिए यहां पे सभी कोई देखिए बैठे हुए इस जगह पे देखिए ये इंडिया के डेलीगेशन लीड कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतनी भीड़ है वहां पे ठीक है इमेजिन कीजिए इस जगह पे अफगानिस्तान इज अ थिंग अग इज विच इज फॉर विच मेनी कंट्रीज आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड इंडिया ने कहा यहां पे ध्यान दीजिएगा इंडिया ने कहा यहां पे ठीक है इंडिया वोज टू इंप्रूव अफगान ट्रेड लिंक्स नहीं इंडिया ने रीजनल पीस की बात कही रीजनल पीस का मतलब होता है कि जब तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट में बातचीत हो जाएगी अगर यहां पीस हो जाएगा तो इसके इसके रिपरकशन सराउंडिंग में हमेशा पीस प्रमोशन रहना चाहिए ऐसा नहीं ध्यान दीजिएगा कितनी जगहों पे ऐसा होता है कंट्रीज व्हेन दे एस्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट्स ठीक है, एशिया में देख लीजिए अफ्रीका में देख लीजिए भाई तालिबान को अगर जगह मिलेगी सरकार में तो इंडिया का बस यही कहना है अगर आप पीस टॉक्स कर रहे हैं गो एड विद इट बट यू शुड नॉट स्पिल ओवर एनी प्रॉब्लम इन द नेबरहुड इंडिया इज वेरी सीरियस इसमें पाकिस्तान को साइड कीजिए इंडिया ने अभी पूरा फोकस तालिबान पर किया हुआ इस जगह पर ठीक है अब क्या ये पॉसिबल है कि नहीं 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 पता लेकिन प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना ये बताइए ठीक है अब ये पॉसिबल है कि नहीं नहीं पता लेकिन कम से कम ट्राई तो करना पड़ेगा ना अब ये बताइए स्टूडेंट्स इंडिया अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस पीस प्रोसेस में क्या इंडिया को फायदा है इससे

अगर पीस टॉक्स करने के लिए रेडी है ओके वी आर रेडी फॉर इट ठीक है अफगानिस्तान की सरकार के साथ आप पीस टॉक्स कीजिए लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स स्पिल नहीं होनी चाहिए बाहर तक आप देश में भी पीस लाइए और रीजन में भी पीस लाइए ठीक है सो दिस न्यूज कैन बी लिंक इंडिया अफगान रिलेशन हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इंडिया अफगान रिलेशन पे कोई सवाल आ गया स्टूडेंट्स या इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन पे इंडिया अफगान रिलेशन या इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन डोंट यू थिंक आप ट्वेंटी वर्ड्स यहां से निकाल सकते हैं इंडिया टॉक्ट अबाउट डबल पीस एट द रिसेंटली हेल्ड हार्ट ऑफ एशिया इंडिया टॉक्ट अबाउट समथिंग कॉल इज ए डबल पीस नया कंसेप्ट अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जामिनर कहेगा क्या न्यूज में चल रहा है यह बंदा ठीक है क्लियर तो दिस इज इट डबल पीस डबल पीस ठीक है गेट इन द पॉइंट इन साइड अफगानिस्तान एंड आउटसाइड अफगानिस्तान इट इंडिया सपोर्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन belt. तो so 2000 ये न्यूज देखिए करंट अफेयर्स यूपीएससी का इतना याद रखिए यूपीएससी में तीन साल पहले का भी न्यूज इंपॉर्टेंट होता है ठीक है अब आई का न्यूज है ना आई का न्यूज एवरी ईयर इट्स इंपॉर्टेंट ये केवल एडअप होता जाएगा ठीक है ये एडअप होता जाएगा हार्ट ऑफ एशिया समिट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और प्रीलिम्स अगले साल ही ये पूछा जाएगा इस साल नहीं पूछा जाएगा मैं बता दूं आपको अगले साल दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन प्रीलिम्स हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग डेली न्यूज ये देखिए मैं द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस लाइव मेन डाउन टू अर्थ मैगजीन सबसे पिकअप करते हैं यूपीएससी परस्पेक्टिव रेलिवेंट न्यूज इट ठीक है आइए आगे बढ़ जाएं आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स ठीक है सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है जो अभी आए हैं बच्चा लोग मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी थर्ड न्यूज देखिए थर्ड न्यूज आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट अब आप सर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों आप कह रहे हैं क्योंकि एक समिट हुआ है मीटिंग हुआ है एक वर्ल्ड लीडर्स का समिट मीटिंग यस एक मीटिंग हुआ है ठीक है वर्चुअल मीटिंग कह लीजिए ठीक है मीटिंग हुआ है किस चीज के बारे में दैट देर इज नीड ऑफ ग्लोबल ट्रीटी फॉर पेंडेमिक्स यस ये कोविड नाइन्टीन एक ऐसा एक ऐसा बीमारी है आ गया जिसने की मीन्स उधेड़ कर रख दिया पूरे विश्व को इट हैज इट इट हैज मीन्स क्या कहते हैं उसने एक्सपोज कर दिया जितने फॉल्ट लाइन्स थे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में डू यू एग्री लेट मी नो इन द चैट बॉक्स डब्ल्यू एच ओ में कितने फॉल्ट लाइन्स थे उसने एक्सपोज करके रख दिया कोविड नाइनटीन ने और इसीलिए ठीक है इसीलिए स्टूडेंट्स वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हुई है ये क्या एक्सपोज कर दिया इसने कोविड नाइन्टीन ने क्या एक्सपोज कर दिया इसने एक्सपोज कर दिया टूथलेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यू एच ओ डू यू एग्री टर्मिनो टर्मी स्टूडेंट्स इट एक्सपोज द टूथलेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डब्ल्यू एच ओ जा रहा चेक करने के लिए चाइना में ओरिजिन वायरस का आज तक पता नहीं लग पाया ठीक है आज तक पता नहीं लग पाया फोर टाइम्स फोर टाइम्स इट ट्राइड टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ कोविड नाइनटीन नॉट एट ऑल और अब नया न्यूज आया ठीक है दैट ये देखिए यहां लिखा डब्ल्यू एच ओ ने अब कहा है एक्सेप्ट कर लिया पॉसिबल दैट कोविड स्प्रेड बिफोर डिसंबर 19 डिसंबर 19 के पहले भी कोविड एग्जिस्ट कर रहा था चाइना में और चाइना ने इंफॉर्मेशन छुपाया था डू यू एग्री टूथलेस का मतलब होता है टूथलेस का मतलब होता है जिसमें कोई पावर नहीं है ठीक है एक ऐसा टाइगर जिसके दांत टूट गए हैं दैट्स इट ठीक है टूथलेस नो पावर पावरलेस और ये देखिए स्टूडेंट्स यहां पे पहला पॉइंट यहां पे डिड चाइना हाइड द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हाइड किया चाइना ने ये देखिए बाई चाइना पहला पॉइंट ये पहला पहला प्रॉब्लम जो एक्सपोज किया कोविड नाइन्टीन ने कोविड नाइनटीन ने दिखा दिया कि देश बहुत सारे देश रिस्पेक्ट करते ही नहीं डब्ल्यू एच को क्लियर ठीक है और ये देखिए सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट कोविड नाइन्टीन ने एक और चीज दिखा दिया वैक्सीन कैपिटलिज्म एंड वैक्सीन इंपीरियलिज्म डू यू एग्री टेल मी इन द चैट बॉक्स ये जरूर नोट कीजिएगा क्या ये दिखा दिया टेल मी स्टूडेंट्स कंट्रीज आपस में ही लड़ी हुई हैं ठीक है पहला वैक्सीन मेरे लोगों को पहला वैक्सीन मेरे लोगों को एक एक कंट्रीज ने अपने लोगों के लिए चार चार वैक्सीन रिजर्व कर दिए है वैक्सीन कैपिटलिज्म, प्राइवेट कंपनी अलग से कह रही है हमें पैसा चाहिए वैक्सीन ठीक है और ये देखिए स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आउट है ठीक है इसके अलावा ये दो चीजें तो हुई ही हैं, ठीक है थीके? तीसरा पॉइंट क्या आपको नहीं लग रहा अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट जो साइडलाइन हो गया साइड लाइन एक्सेप्ट इंडिया नो वन इज टॉकिंग अबाउट अफ्रीका एंड फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट हैज दिस कोविड नाइनटीन हैज दिस कोविड नाइन्टीन इंक्रीज द पॉवर्टी हैज पोस्ट मैनी पीपल इन पॉवर्टी यस ये देखिए चार ऐसी चीजें किसी ने सोचा ही नहीं था सब कोई सोचते थे कि वॉर से पॉवर्टी बढ़ता है कोई बीमारी आ नहीं सकती इतनी बड़ी ठीक है छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी मैनेज कर लिया जाएगा ठीक है पहले सार्स आया था मर्स आया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 स्वाइन फ्लू आया था टू लेकिन किसी ने इबोला आया टू ठीक है निपा आया ठीक है जिका आया लेकिन किसी ने इतना इतनी तबाही नहीं मचाई इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन वर्ल्ड फेस करेगा इट एक्सपोज द फॉल्ट लाइन इट एक्सपोज द वर्नरेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड यस और यही वजह यही वजह स्टूडेंट्स दैट अब समय आ गया है एक ऐसी ट्रिटी का एक ऐसा ट्रिटी ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है और ये द हिंदू का सेम न्यूज दोनों पेपर्स में सेम न्यूज ये देखिए ट वी नीड अ ग्लोबल ट्रीटी ग्लोबल ट्रीटी फॉर पेंडेमिक्स ऑन द सेम लाइन्स जैसे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस ट्रीटी में क्या होगा स्टूडेंट्स क्या होगा कहा गया है पेनाल्टीज भी रहेंगी ठीक है इस ट्रीटी में और क्या होगा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आपको साइन करना पड़ेगा ट्रीटी इन शॉर्ट एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी यस की बीमारी फैली कैसे आपके देश में एंड इतना ही नहीं इतना ही नहीं कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन डू यू एग्री क्या यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर सेवेंटीन है एसडीजी नंबर सेवेंटीन मी स्टूडेंट्स ठीक है तो यही यहां पे यही चीज है अब यहां पे यूपीएससी एक सवाल पूछतेगा देखिए इनका चेहरा देखिए डब्ल्यू एच ओ के जो है ठीक है शुरू से ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए डब्ल्यू एच ओ ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किया दैट वी नीड अ ग्लोबल ट्रीटी नाउ डब्ल्यू एच ओ हेज फेल्ड फेल्ड मिजरेबली इन इट्स मिशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिशन में फेल कर गया है इसके पास कोई इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स प्लान नहीं है एग्री कर रहे हैं एग्री कर रहे हैं वी डोंट हैव इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड पैंडेमिक रेस्पॉन्स प्लान ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें सारे देश आकर काम कर रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं कटिंग द पॉइंट अब आप बोलेगा कि सर क्या ऐसा ट्रीटी क्या आगे चलकर ऐसी ट्रीटी क्या आगे चलकर काम करेगी जब सर डब्ल्यू एच ओ काम नहीं कर रहा है जब सर यूएन काम नहीं कर रहा है लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा जीवन में जब हमेशा सब कुछ खराब होता है problems and problems and and life, और क्या हम लोग हार मान जाते हैं क्या हम हार मान जाते हैं क्या हमें हार मान जाना चाहिए चलनी आपको नहीं लगता कि ग्लोबली मान लिया हर जगह हम लोग फेल किए हैं पूरा वर्ल्ड फेल किया लेकिन एक ऐसी एक दो ऐसी एग्जांपल्स है जिसमें पूरा वर्ल्ड सफलता हासिल किया एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डू यू एग्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी जिसको अचीव किया गया एग्री कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब जीवन में जब खराब समय आए ना तो आपको देखना चाहिए क्या अच्छा हुआ है साथ इट इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब आप बोलेगा कि अगर अगर आप देखिए तो यूएन फेल करेगा डब्ल्यू एच ओ फेल करेगा ठीक है लेकिन तब तब एक तरफ देखते हैं देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सीड किया अर्थ समिट सक्सीड किया एसडीजीज आ गए अरे ध्यान दीजिए क्या आपकी लाइफ में अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है नहीं धीरे धीरे चेंजेस आते हैं आपको लगता है सब कुछ अचानक ठीक हो जाएगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा इट्स नॉट अ मूवी इट्स लाइफ इट टेक्स टाइम टू चेंज दैट्स इट तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान दीजिएगा जब ओजोन डिप्रेशन की बात आई थी मैं बता दूं आपको एट्टी वन टू में ओजोन डिप्रेशन की जब बात आई थी स्टूडेंट्स, उसी तारीख को उसी समय ओजोन का लेयर का क्या कहते हैं ओजोन लेयर वॉज मेजर्ड डॉबसन यूनिट्स होते हैं ओजोन लेयर मेजर करने के ठीक है डॉब्सन यूनिट्स ठीक है और जब मेजर किया गया ओजोन लेयर और जब पाया गया कि अगर नहीं टैकल किया गया ओजोन डिप्लीशन तो इसका सबसे ज्यादा असर स्किन कैंसर बायोडाइवर्सिटी लॉस पे पड़ेगा ये दो चीजें बाहर निकलना बंद हो जाएगा इंसान का और इसके लिए केवल एक काम करना है कूलिंग कूलिंग सिस्टम्स जो हैं जहां से क्लोरो फ्लोरोबंस निकलते हैं उन्हें ठीक से रखना है उन्हें उसमें रिप्लेस करना है कूलेंट को यानी एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स ठीक है डिओड्रेंट्स परफ्यूम्स और सिंपली सारे देश आगे बढ़ गए डिलेज हुए प्रॉब्लम्स भी आए ठीक है डिस्कशन में लड़ाइयां भी हुई लेकिन सब कुछ अंततः ठीक हो जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा शाइनिंग एग्जांपल है विश, विश, विश सेज दैट यस ग्लोबल कोऑपरेशन समटाइम्स इज पॉसिबल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन शाइनिंग एग्जाम्पल विच सेज दैट यस दैट यस अगर ठान लिया गया तो ग्लोबली ग्लोबली अगर काम कर लिया गया तो पृथ्वी बच जाएगी इतना ही नहीं स्टॉक होम समिट उन्नीस सौ बहत्तर स्टॉक होम समिट उन्नीस सौ बहत्तर स्टॉक में समिट हुआ था जिसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यू 1972 उसी समय डिसाइड किया गया था विल मीट एवरी डिकेड और एटलीस्ट इन ट्वेंटी और देखिए उसके ठीक बीस साल बाद अर्थ समिट 1992 में रियो समिट उसके 2002 में दो हजार दो में रियो समिट दो हजार बाईस में अगला समिट आने वाला है उसी समिट में बात चल रही है एक नई ट्रीटी की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था एट्टी सेवन में मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में वहां साइन किया गया था दैट रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में जो कूलेंट का इस्तेमाल हो रहा है उसे कम किया जाए दैट वॉज इट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद पेनाल्टीज अगर आप फॉलो नहीं करते पेनाल्टीज ले भी किया जाता और यही दो हजार बाईस में दो हजार बाईस बस अगला साल आने वाला है और साथ में एक नई ट्रीटी यू कैन एक्सपेक्ट अव ट्रीटी कमिंग अप इट इज द सेम थिंग अच्छा ये बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशन थी क्या उससे हमारी कंडीशन अभी ठीक है पूरे वर्ल्ड की टेल मी द चैट बॉक्स क्या ये कंडीशन ठीक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो कंडीशन थी उससे बिल्कुल ठीक है क्या खराब कंडीशन थी उस समय पूरा वर्ल्ड फाइट कर रहा है ठीक है रिकॉर्ड डेथ ठीक है रिकॉर्ड डेथ उससे तो ठीक कंडीशन है आज कम से कम लड़ाइयां नहीं लड़ी जा रही हैं सब कोई अपने घर में बैठा हुआ है एक दो लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन फिर सब कोई शांत हो जा रहा है दैट्स इट So why to look for negativities let's look for positivities something good is going to happen. We need a global treaty for pandemics do you agree yes. a question might come examine examine the need students this question might come in upSC this year itself in the mains examine the need of examine the need of a new treaty examine the need of a new global treaty for pandemics hame mean naya global treaty new global treaty for pandemics <laughs> examine the need of a new global treaty for pandemics yes 10 marks question फिफ्टी वर्ड्स क्यों जरूरी है ट्रीटी हमें क्यों चाहिए ट्रीटी ठीक है आपको ही पता है स्टूडेंट्स ट्रीटी क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एग्री कर रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो चाइना ने नहीं किया इस बार सेकेंड ट्रीटी क्यों चाहिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए वैक्सीन में एग्री ट्रीटी हमें क्यों चाहिए ट्रीटी हमें क्यों चाहिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एल को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट ट्रीटी हमें क्यों चाहिए टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट वैक्सीन कैपिटलिज्म एग्री कर रहे हैं देखिए मैंने आपको चार पॉइंट्स यही बता दिए टू प्रिवेंट वैक्सीन कैपिटलिज्म ठीक है कि नहीं खरीद के सारे वैक्सीन यूके रख लेगा यूएस रख लेगा चिंता की बात है ठीक है और क्यों चाहिए हमें ट्रीटी टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इन द हेल्थ केयर सेक्टर ट्रांसपेरेंसी इन हेल्थ केयर डू यू एग्री मी यूपीएससी के क्वेश्चंस मेंस के ठीक है आपको ऐसे ही डील करने होते हैं जो सवाल पूछा है उसका क्लियर कट जवाब दीजिए वहां पर ठीक है और सबसे बड़ी बात इसको जरूर लिंक कीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल से एसडीजी डू यू एग्री एसडीजी नंबर सेवेंटीन ठीक है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट दैट्स इट क्लियर टर्मिंग स्टूडेंट्स ट्रीटी का मतलब क्या प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल जिसमें लेवी किए जा सके यस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डब्ल्यू एच ओ को पावर नहीं दिया जा सकेगा मैं बता रहा हूं आपको एक ट्रीटी ऐसी आनी चाहिए जिसमें कि नॉन बाइंड बाइंडिंग एग्रीमेंट हो बाइंडिंग साइन किया तो बाइंड करेगा आपको डेट्स इट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट यह जरूरी है ये वही बात हो गई कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स आपको रोज कह रहे हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो यूपीएससी क्वालिफाई करना है आप कह रहे हैं हैं नहीं मैं क्या क्या हैं? मैं क्या कहते पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं पता है आपको आप नहीं पढ़ रहे हैं फिर आपके पेरेंट्स साइन करते हैं आपके साथ एक ट्रीटी ठीक है एक साल का टाइम दिया जा रहा है इस एक साल के टाइम में यूपीएससी क्वालिफाई करो इसी ट्रीटी की बात चल रही है ट्रीटी जरूरी होता है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट्स इट क्लियर स्टूडेंट्स तो चलिए लेट्स uh, था ठीक है इसको कहां कहां लिंक करना है ये देखिए ठीक है आई सपोज कि सेशन सही चल रहा है let me know in the chat box, ये देखिए ठीक yes, है और यहां लिखा हुआ देखिए शुरू होने के पहले देखिए लिखा हुआ अगर सारे कंट्रीज ने ट्रांसपेरेंटली काम नहीं किया इट एंड अप टूथलेस जो ट्रीटी बनेगा अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो वो भी वैसा ही हो जाएगा जैसे डब्ल्यू एच ओ चल रहा है अभी डेट सिट सि क्लियर तो जैसे आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ट्रीटी को लेकर वैसे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ट्रीटी को लेकर यहां ठीक है आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स अगला पॉइंट ये देखिए भरत पूजा रिवर मैंने केस स्टडी दिया था आज आपको ये केस स्टडी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी में केस स्टडी अप्रोच का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा ट्वेंटी वर्ड्स केस स्टडी मींस एग्जाम्पल एग्जाम्पल और मैंने ये क्यों एग्जांपल दिया अभी स्टूडेंट्स केरला में एक नदी है भरत पूजा नदी जिसको वुमेन ने वुमेन वेल ड जो वेल डिक करने का कंसेप्ट है वो वुमेन कर रही है वहां पे महिलाएं कर रही हैं भरत पुजारी डिस्ट्रिक्टरल यू कैन सीट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल यू कैन सी है गोइंग इन अरेबियन भरत पुजारी ठीक है ये ये देखिए देखिए अच्छा यहां तो लिखा हुआ है है ठीक वोमेन एम्पावरमेंट क्लासिकल एग्जाम्पल ठीक है, है? आइए आगे बढ़ जाएं ये सब एग्जाम्पल आप कोट कीजिएगा ना यूपीएससी में याद रह गया कुछ केस स्टडीज डाल दिया आपने ये केवल जीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल एग्री कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल ठीक है वनरेबल सेक्शन में ठीक है उसके अलावा जोग्राफी ऑप्शनल वाटर कंजर्वेशन में यस इसके अलावा आप बात करते हैं सिविल सोसाइटी की पब्लिक एड ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यस सिविल सोसाइटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यस अ क्लासिकल एग्जांपल आज तक आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब केवल इतना लेते हैं गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन ये देखिए रियल वर्क डन बाय द वुमेन ऑफ द कंट्री दैट्स इट एंथ्रो आल्सो यस करेक्ट आइए अगला न्यूज देखें स्टूडेंट्स अगला न्यूज देखें देखिए ये कोविड कोविड नंबर स्लाइड रिलेटेड न्यूज अब आप बोलिएगा कि सर ये हटाइए न्यूज ठीक है लाइट कीजिए लेकिन पहला न्यूज मीन दिस न्यूज हैज बिकम वेरी कॉमन लेकिन द फर्स्ट न्यूज हैज बिकम यू कैन सी नो दिस तर्ज इन केसेज अज फॉर कंसर्न सेंटर ने कहा है इससे इसके अलावा एक और बहुत बड़ा न्यूज है ठीक है ये देखिए वेट फॉर योर कार इट्स कोविड देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज ये पहले तो न्यूज आया था स्टूडेंट सेमी कंडक्टर्स को लेकर याद कीजिए डिड द न्यूज कम अपर स्टडी चाइना को लेकर टर्मी अब देखिए मैंने कहा था ना मैंने बिजनेस से रिलेट किया था इसको ठीक है अब देखिए यहां सेबल हो गए ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में मर्सिडीज ने अपने अपने कस्टमर्स को बोला है थोड़ा वेट कर लीजिए कार तैयार नहीं है वेट फॉर योर कार इट्स कोविड बिकॉज वी डोंट हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज चिप्स ठीक है और उसमें सेमी कंडक्टर्स ये दोनों इंडस्ट्री केवल तीन कंट्रीज में लोकलाइज्ड है ये देखिए तीन कंट्रीज में लोकलाइज्ड है सबसे बड़ी बात यही है कल इसीलिए चाइना ने फोकस शुरू किया ये देखिए द डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स सप्लाई चेन्स डिसरप्शन हैज क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ चिप्स फोर्सिंग ऑटोमोबाइल मेकर्स टू स्लो डाउन प्रोडक्शन हाउ डज द ग्लोबल चिप मेकिंग इंडस्ट्री वर्क और क्या ऐसे शॉक्स पहले आए हैं शॉक्स ऐसे आए होंगे ये सबसे बड़ा शॉक है अभी तक का और ये कहां पे ये कहां पे है ये इंडस्ट्रीज किन तीन कंट्रीज में ये देखिए द बिग थ्री ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग आर इंटेल यूएस इंटेल यूएस सेकंड सैमसंग साउथ कोरिया सैमसंग साउथ कोरिया एंड थर्ड टीएसएमसी ताइवान ये देखिए टी एस एम सी ताइवान वल यही तीन जगहों पे ये बनता है डोंट यू थिंक इट इज क्वाइट क्वाइट कंसंट्रेटेड द चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज क्वाइट कंसंट्रेटेड इन दीज थ्री बेल्ट अब बताइए अब बताइए स्टूडेंट्स कि अब आप बोले सर ये न्यूज कहां लिंक करना है ये न्यूज कहां लिंक करना है इसको नाम दिया गया चिप फैमीन ये देखिए फैमीन इसे नाम दिया गया है ये जस्ट कोविड रिलेटेड न्यूज ठीक है कोविड का इंपैक्ट ये एडिटोरियल में मत लिखिएगा ओनली न्यूज कॉपी में लिखिएगा न्यूज कॉपी में ठीक है न्यूज की जो कॉपी आपने बनाई नोटबुक बनाई है उसमें लिखिएगा कोविड का इंपैक्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पे ऑल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यस दैट्स इट दैट्स इट ये देखिए यहां पे मर्सिडीज बेंस इंडिया हैज रिसेंटली इश्यूड एडवर्टीजमेंट अपीलिंग टू द कस्टमर्स टू बियर विद अ शॉर्ट वेटिंग पीरियड और वेहीकल डिलीवरी वेहीकल डिलीवरीज में डिलेज वेहीकल डिलीवरीज में डिलेज, डिलेज। मर्सिडीज के लाइफ में ये कभी नहीं आया था अभी तक ये जर्मनी का लग्जरी कार मेकर है मर्सिडीज बेन्स मोटर्स और कस्टमर्स को यह कह रहा है रुकने के लिए पैसा दे दिया है आपने अब अब रुक रहे हैं वहां पे क्लियर अब ये देखिए स्टूडेंट्स यहां पे व्हाट इज हैपनिंग अ कॉमन कंपोनेंट अक्रॉस कार्स ये देखिए कार इलेक्ट्रॉनिक गुड इलेक्ट्रॉनिक गुड ये देखिए मेडिकल डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस ये देखिए कार इलेक्ट्रॉनिक गुड मेडिकल डिवाइसेस में एंड स्मार्ट अप्लायंसेस स्मार्ट अप्लायंसेस यस कार्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट अप्लायसेज में एक कॉमन कॉम्पोनेंट है दैट इज अ चिप द चिप इज द ब्रेन एंड नर्व सेंटर ऑफ द डिवाइस यस डू यू एग्री द चिप्स आर द नर्व सेंटर ऑफ द नर्व सेंटर ऑफ डिवाइस। यस और ये देखिए इस चिप या सर्किट में क्या होता है रजिस्टर्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स uh, होते हैं कैपेसिटर्स होते हैं सब के सब एक ही जगह पे पुट किया जाता है और ये चिप मेकिंग इंडस्ट्री तीन कंट्रीज में लोकलाइज है यूएस साउथ कोरिया एंड ताइवान कंसीडियर चाइना अब शुरू कर रहा है बनाना थ्री कंट्रीज में पहले लोकलाइज था यही वजह चाइना न्यूज यस्टरडे चाइना टैक्स क्या टैक्स रेट्स कम कर रहा है जब टैक्स रेट्स आप कम करते हैं तो क्या बाहर की इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं? टेल मी इज द इज दिस अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्टिंग द इंडस्ट्री इज दिस अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस वेन यू कट द टैक्स रेट्स वेन यू कट द टैक्स रेट्स डू द डू द आउटसाइड इंडस्ट्रीज कम टू योर कंट्री यस दैट्स इट जब टैक्स रेट्स कट होगा इंडिया भी किया है स्पेशल ऑफ दिस इट हैज गिवन टैक्स हॉलीडेज टैक्स हॉलीडेज है टर्म स्टूडेंट जैनमीन द चैट बॉक्स टैक्स हॉलीडेज टैक्स हॉलीडेज का कंसेप्ट तो ही, ही होता है मेरे देश में आ जाओ ठीक है तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा तुम प्रॉफिट सीख करोगे ना प्रॉफिट डबल कर लो अपना मेरे देश में आकर बनाओ दैट्स इट मुझे सप्लाई की कमी नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स की चिप्स की मोबाइल फोन्स की कार्स की बस दैट्स इट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कट द टैक्स रेट्स एंड गिव टैक्स हॉलीडेज द कंपनीज विल गेट अट्रैक्टेड जैसे न्यूज केम अप एंड डोंट यू थिंक चाइना इज गेटिंग रेडी आप देखिए चाइना का ये स्टेप तुरंत आया है आप देखिए ठीक है आज हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर्स चिप्स के बारे में और एक दिन पहले पढ़ रहे न्यूज चाइना का टैक्स डिडक्शन टैक्स रेट इसे कहते है, इसे कहते हैं हैं इसे एस सुन एज पॉसिबल रिएक्शन ठीक है वी ऑल्सो नीड टू टेक दिस हमारे देश में भी लोकलाइजेशन होना चाहिए चिप मेकिंग आनी चाहिए हमारे यहां हमें तुरंत कुछ स्टेप लेना जरूरी है नहीं तो नहीं तो हमारे यहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ये देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेडिकल डिवाइसेज स्मार्ट अप्लायंसेस सब डिपेंड कर जाएंगे चाइना मेड इन चाइना चिप्स पे इन फ्यूचर नहीं तो आप देख रहे हैं अभी अभी हम लोग मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था हम लोग एपीआई फार्मा प्रोडक्ट्स में एपीआई पे डिपेंड कर रहे हैं चाइना के ऊपर जो दवाओं में केमिकल्स सब्सटेंसेस जो आते हैं वैसी कार इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट अप्लायसेस फोन्स सब में चिप लगता है अगर कल को चाइना में लोकलाइज हो गया यू कैन इमेजिन द रिप्रिकॉशन इंडिया विल टेक स्टेप्स इंडिया नीड्स टू टेक स्टेप्स नाउ इंडिया नीड्स टू टेक स्टेप्स बिकॉज चिप मेकिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी क्रिटिकल और आज के समय मुझे एक चीज बताइए बिना स्मार्ट अप्लायंसेस के बिना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बिना कार के बिना मेडिकल डिवाइसेस के क्या आप एक इकोनॉमी इमेजिन कर सकते हो कैन यू इमेजिन अ कंट्रीज इकोनॉमी विदाउट मेडिकल डिवाइसेस विदाउट स्मार्ट अप्लायंसेस विदाउट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नॉट एट ऑल चिप चिप मेकिंग इज द बैकबोन ऑफ द चिप मेकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोमी ऑफ एनी कंट्री और इसलिए यहां पे चिप फेमिन बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया जरूर से जरूर से इस क्या चिप फेमिन वर्ड यूज कीजिएगा ये चिप फैमीन, फैमीन 2021 का सबसे बड़ा फेमीन है चिप्स शॉर्ट कर गई है मार्केट में केवल इसलिए कि ये यूएस साउथ कोरिया और ताइवान में लोकलाइज था यूएस में प्रोडक्शन कम हो गया है सैमसंग में भी प्रोडक्शन कम हो गया साउथ कोरिया में ताइवान कितने हद तक संभालेगा सो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यू कैन लिंक दिस न्यूज लिंक दिस ये न्यूज कहां लिंक करोगे पहला पॉइंट कोविड नाइनटीन का इंपैक्ट चिप मेकिंग पे यस कार मेकिंग पे यस yes. और सोचिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की तारीख में पीएल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सुना है आपने पीएलआई प्लान बनाए हैं हम लोग कार मेकिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ठीक है हम लोग आगे इमेजिन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कार्स ठीक है बैटरी ऑपरेटेड कार्स ठीक है टेल मी वन थिंग बट विदाउट विद आउट चिप्स कैन दिस बी पॉसिबल विदाउट चिप्स कैन दिस बी पॉसिबल नॉट एट ऑल इसीलिए इसीलिए रॉ मेटेरियल्स पे पहले फोकस करना जरूरी पहले फोकस करना जरूरी जो इसे ध्यान दीजिएगा ये रॉ मेटेरियल नहीं है ये आप इसको कैपिटल गुड कह सकते हैं कैपिटल गुड इज दैट गुड विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एग्री कर रहे हैं कैपिटल गुड एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर्स एंड चिप्स ये देखिए इसी से कार बनेगा आगे चलकर इसी से मोबाइल फोन बनेगा यस ये ठीक है तो दैट इट स्टूडेंट्स दैट इट एक सवाल यहां तो बनता है ना मी क्या एक सवाल बनता है यहां पे दैट एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ चिप मेकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी येस yes, एक सवाल यहां बनता है ठीक है एक क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर ठीक है एनालाइज द इंपॉर्टेंस एनालाइज द इंपॉर्टेंस एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स चिप्स मेकिंग इंडस्ट्री ठीक है फॉर 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 इंडियन इकोनॉमी फॉर इंडियन इकोनॉमी हाउ कैन या क्या कहते हैं जिससे लिख लीजिए एनालाइज द ध्यान दीजिएगा एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स मेकिंग इंडस्ट्री फॉर इंडियन इकोनॉमी व्हाट स्टेप्स शुड इंडिया टेक व्हाट स्टेप्स शुड इंडिया टेक शुड इंडिया टेक टू प्रोमोट इट क्लियर है टू प्रोमोट इट फिफ्टीन मार्क्स टू फिफ्टी वर्ड्स ये ध्यान से नोट कीजिए इस चीज पे जरूर सेट फिफ्टीन मार्क्स टू फिफ्टी वर्ड्स ये आ सकता है जीएस पेपर थ्री में जीएस पेपर थ्री में ये इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का इकोनॉमी और साइंस एंड टेक दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा That's it. आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स अगला न्यूज देखते हैं ठीक है आई हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस लाइव जो भी क्रिटिकल न्यूज है एंड स्टेट सर्विसेज के लिए मैं सबको एक जगह अप करके लाता हूं ठीक है इस्लामिक स्टेट अटैक सर्वाइवर्स स्ट्रैंडेड अराउंड मोजाम्बिक टाउन इस्लामिक स्टेट जम इन अफ्रीका यस ये देखिए मोजाम्बिक कहां पे ये देखिए स्टूडेंट्स इस जगह पे वाली स्लाइड बता देंगे डोंट वरी ठीक है ये देखिए मोजाम्बिक ये देखिए मोजाम्बिक कंट्री ये देखिए स्टूडेंट्स इज दिस एलोंगेटेड कंट्री इन द अफ्रीकन कंटिनेंट और क्या इसके पास में इस बेल्ट को मोजाम्बिक चैनल कहते हैं मोजाम्बिक चैनल टेलमी स्टूडेंट्स मेडागैसकर और मोजाम्बिक कंट्री के बीच में मोजाम्बिक चैनल ठीक है ठीक है और ये देखिए ठीक है? है और ये देखिए क्या इसके भी इसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन गुजरता है टेलमी स्टूडेंट्स क्या ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन मकर रेखा क्या यहां से गुजर रहा है ठीक है ये देखिए और क्या ये शो कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट चला गया है साउथ अफ्रीकन बेल्ट में भी इज दिस मैटर ऑफ कंसर्न टिलेट टिल डेट वी वर टॉकिंग अबाउट द दिस बेल्ट जहां पे इस्लामिक स्टेट प्रेजेंट है ये देखिए ठीक है।, है या जहां पे टर्मोइल चल रहा है ठीक है कौन सा बेल्ट वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका कौन सा बेल्ट मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाना या मेना बेल्ट या, याद याद रखिएगा इस चीज को मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका मेना फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वाना वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका ये देखिए इस बेल्ट और इस बेल्ट के ऊपर अब यहां पे चला गया इस्लामिक स्टेट इसका मतलब है अफ्रीका में क्या टेररिज्म बढ़ रहा है यस yes. और कहा भी जाता है स्टूडेंट्स टेररिज्म वहीं पे बढ़ता है टेररिज्म इन दैट बेल्ट ओनली जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है डू यू एग्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म ब्रीडिंग ग्राउंड एग्री और जहां गरीबी रहेगी पॉवर्टी इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म पॉवर्टी यस ये देखिए अब आप बोले सर ये सवाल कहां आप लिंक कीजिएगा अरे ये ऐसे का क्वेश्चन है भाई टेररिज्म के ऊपर कोई टेररिज्म के ऊपर ऐसे में ऐसे में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं ठीक है प्लस अफ्रीका अफ्रीका ठीक है टेररिज्म इज सच टॉपिक ना विच कैन बी लिंक्ड विच कैन बी लिंक्ड अक्रॉस एवरी एवरी uh, क्या कहते हैं पेपर जीएस पेपर ठीक है और यहां पे सबसे बड़ी बात है ऐसे पेपर में अगर कुछ ऐसा आ गया तो यू कैन लिंक दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी आर लीडिंग टूवर्ड्स टेररिज्म इन अफ्रीकन कंट्रीज यस क्लियर तो ये स्टूडेंट्स ये यहां देखिए मोजाम्बिक मोजाम्बिक में मोजाम्बिक में इस्लामिक स्टेट अटैक सर्वाइवर्स स्टैंडर्ड ठीक है इट्स जस्ट अबाउट इस्लामिक स्टेट क्या ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है टैलिंग स्टूडेंट्स क्या ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है लेट मीन इन द चैट बॉक्स प्लीज बी ए पोलिटिकल अपॉन द प्लेटफॉर्म एंड टेक अप द न्यूज पुट इट अपन इन दि क्या कहते हैं पेपर एज अ ए पोलिटिकल एंटिटी ठीक है आप एक आई ए एस ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आपको अनॉनिमस और न्यूट्रैलिटी पर फोकस करना है आई ए एस एस्पिरेंट शुड बी पोलिटिकली न्यूट्रल एंड अनोनिमस दैट ठीक है वॉट द पॉइंट तो ये जरूर से इस चीज को लिंक कीजिएगा स्टूडेंट्स अफ्रीका में जितनी परेशानी बढ़ रही है ठीक है जितनी परेशानी बढ़ रही है उतना ज्यादा देखिए अफ्रीका फंस चुका है एक तरफ चाइना और एक तरफ इस्लामिक टेररिज्म एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स जन्मी अनोनिमस का मतलब होता है अच्छे काम करके निकल लीजिए नाम मत बताइए अच्छे कर्म कीजिए और निकल लीजिए नाम मत बताइए अनोनिमस अनोनिमिटी ठीक है क्लियर तो ये देखिए चाइना एक तरफ एक तरफ इस्लामिक टेरिज्म बीच में अफ्रीका क्या करे अफ्रीका परेशानी में है चाइना तो चाइना तो इस्लामिक टेरिज्म से भी ज्यादा मीन्स तेजी से उस जगह पे बढ़ रहा है ठीक है चाइना का फुटप्रिंट इतना आगे बढ़ गया स्टूडेंट्स बी सरप्राइज एक एक कंट्री में उसकी जमीन आ गई है लीज पे ले लिया उसने जमीन नहीं देखिए पॉवर्टी देखिए अफ्रीका में जो गरीबी है ना स्टूडेंट्स पॉवर्टी वो अलग लेवल का है एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ठीक है अफ्रीका में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ठीक है सुनिएगा इस चीज को अफ्रीका के लिए क्लासिकली एग्जांपल है पॉवर्टी सोमालिया बेल्ट फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सोमालिया यहाँ पे एक कंट्री है ठीक है एथियोपिया यहाँ पे एक कंट्री है इस बेल्ट में इस्लामिक प्रेजेंस पहले मिनिमल था बट नाइनटीन नाइन्टीज ऑनवर्ड्स इस्लामिक प्रेजेंस मीन्स तालिबान का प्रेजेंस तालिबान का प्रेजेंस ठीक है There वर दीज वर इस्लामिक कंट्रीज बट बट वेरी पीसफुल कंट्रीज नाइनटीन नाइन्टीज में इस जगह पे इस्लामिक तालिबान इस्लामिक टेररिज्म का प्रेजेंस बढ़ना शुरू हुआ और उसी समय उसी समय यहां पे मैसिव कन्वर्जेंस भी शुरू हुए ठीक है ऑल बिकॉज ऑल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी गरीबी के कारण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पे रोटी कपड़ा मकान छोड़ दीजिए मिलेगा ही नहीं अब ऐसी कंडीशन में डोंट यू थिंक यू बिकम अ टूल इन हैंड्स ऑफ द पर्सन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू मी ठीक है इन फ्रंट ऑफ यू उसके लिए आप, आप हाथ में टूल बन गए ट इज वॉट हैपन इन अफ्रीका चाइना कह रहा है चाइना कह रहा है जमीन दे दो अपनी देना पड़ रहा है गरीबी है भाई जमीन से कुछ निकल नहीं रहा है वहां पर चाइना कह रहा है हम रिवर नाइल के नीचे टनल बनाएंगे कंट्रीज के लिए ले जाओ भाई क्या कर सकते हैं कुछ है ही नहीं यहां पे। उस जगह भी ये कंडीशन है कि एनिमल्स का यूरिन पी रहे हैं बच्चे उस जगह पीने की पीने का जो पानी है वो भी नहीं है सच वॉटर शॉर्टेज So absolute poverty. Absolute poverty आगे आगे इवान के साथ ताइवान इंडिया कोऑपरेशन ये देखिए द हिंदू में आया है और ये मैं नहीं पढ़ूंगा ये मैं अटैच करके दे रहा हूं पी डी एफ में आपको देखना इंडिया ताइवान रिलेशन सबसे बड़ा फोकस साइंस एंड टेक में आपको लिखना है आज क्या लिखना है वाई इज ताइवान इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ताइवान क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये लिखोगे आप लोग टेलमी अब भी आपने ताइवान का इंपॉर्टेंस देखा कहां देखा सेमी कंडक्टर्स एमसी ठीक है चिप मेकिंग इंडस्ट्री ठीक है अब ताइवान एक और जगह हेल्प कर सकता है साइंस एंड टेक एंड सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ द इकोनॉमी यू कैन सीट है अब ये पूरा आर्टिकल आप पढ़िएगा बहुत अच्छा आर्टिकल है ठीक है बहुत अच्छा आर्टिकल है दट ठीक है यहां पे सेमी कंडक्टर्स के अलावा और कहां ताइवान हेल्प कर सकता है याद कीजिए स्टूडेंट्स क्या ताइवान ने कोविड नाइनटीन पूरा कंट्रोल कर लिया चाइना के बगल में रहते हुए भी ताइवान ने बहुत तरीके से कोविड 19 कंट्रोल किया पॉइंट ताइवान एक क्लासिकल एग्जाम्पल है सर्कुलर इकोनॉमी का वट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी ये में सवाल आ सकता है सर्कुलर का मतलब होता है रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग ये देखिए री यूज रिसाइकल आफ्टर कंजम्शन ये देखिए सर्कुलर इकोनॉमी बहुत फोकस ताइवान में ठीक है यानी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं फिर री यूज कर रहे हैं फिर रिसाइकल कर रहे हैं और उसके बाद फिर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी रीयूज एंड रीसाइकल्ड चीजों से यस yes. तो इस चीज पर जरूर फोकस कीजिएगा देखिए लिखा हुआ है इस जगह पे एंड uh, मेरी uh, मैं ये बोलूंगा दैट व्हाई व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम ताइवान व्हाई इज ताइवान इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया यू कैन राइट टेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल बस क्लियर कट टेन पॉइंट्स निकालना है ठीक है एक हो गया सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच एक हो गया कोविड नाइन्टीन कंट्रोल एक हो गया सेमी कंडक्टर चिप्स एक हो गया टॉय मेकिंग इंडस्ट्री देख लीजिएगा ठीक है क्लियर आइए आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स आइए अगले पॉइंट पर देखिए सस्टेनेबल अप्रोच ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है भाई ये सर्कुलर uh, इकोनॉमी का एग्जाम्पल ये देखिए बहुत अच्छा ये देखिए मैं इसको बना रहा हूं यहां ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कितना अच्छा है देखिए दिस इज अ फ्लो चार्ट विच कैन बिल्ड यू मार्क्स इन यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन ठीक है री यूज और ये देख सर्कुलर इकोनॉमी क्या ये हो जाएगा स्टूडेंट्स चलिए कितना अच्छा कितना अच्छा कम से द हिंदू का आर्टिकल है द हिंदू में ये अलग से इमेज आया हुआ है आर्टिकल ठीक है मैंने अप कर दिया बहुत अच्छा सर्कुलर इकोनॉमी क्वेश्चन कैन कम इन प्रीलिम्स आल्सो व्हाट व्हाट आर द द फोर आर्म्स ऑफ ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी या इज मीनिंग सर्कुलर इकोनॉमी इट मींस कंप्लीटली री एंड रीसाइक्लिंग एवरी वेस्ट प्रोडक्ट दैट्स इट ठीक है आइए अगला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स ये देखिए आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये देखिए अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी क्या आपको ये वर्ड पता है कार्बन न्यूट्रलिटी टेल मी स्टूडेंट्स ये डाउन टू अर्थ मैगजीन से मैंने उठाया है डाउन टू अर्थ मैगजीन मार्च सेकंड एडिशन मार्च सेकंड इश्यू ये देखिए ये देखिए यहां पे कार्बन न्यूट्रलिटी इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स नेट जीरो कार्बन एमिशंस नेट जीरो कार्बन एमिशंस ये सवाल आ सकता है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेलिम्स क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड कार्बन न्यूट्रलिटी ठीक है नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन एमिशन उतना ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वाया कार्बन सिंक कैगरी कर रहे हैं कार्बन सिंक स्टूडेंट्स कार्बन फुटप्रिंट बिकम्स जीरो अब सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड कार्बन न्यूट्रलिटी सवाल आंसर रहेगा डब्लू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आई यूसीएन एफ एल ओ ठीक है ध्यान दीजिए IUCN सुना होगा आपने ऑर्गेनाइजेशन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है दिस इसके अलावा WWF और ILO आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इट विल बी ILO ये बाकी तीन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन ये देखिए ठीक है ILO ने सब, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले अचीव किया कार्बन न्यूट्रलिटी क्लियर द पॉइंट <laughs> तो आइए आगे बढ़ जाए ठीक है स्टूडेंट्स अगला अगला टॉपिक ये देखिए ये देखिए लाइफ बीनी आइस ये देखिए डाउन टू तो अर्थ मैगजीन का एक अनदर पॉइंट ठीक है ये देखिए डाउन टू तो अर्थ मैगजीन का एक और न्यूज सिंपल प्रलेम्स के लिए अंटार्क्टिका के आइस के नीचे अंटार्क्टिका की आइस के नीचे लाइफ एग्जिस्ट करता है कितना टू सिक्सटी किलोमीटर बीनीथ द आइस दो सो साठ किलोमीटर ज इट सरप्राइजिंग टेल मी स्टूडेंट ये देखिए 260 सौ किलोमीटर अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है uh, uh, क्या कहते हैं? इट्सरप्राइजिंग न्यूज दिस इज कम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अचीव किया देखिए लिखा हुआ है उसने देखिए उसने रिसाइकल किया कंपोस्टिंग किया ठीक है ठीक है उसने जितने एमिशंस किए थे कार्बन के उसके ऑफिस से निकले थे उसने ऑफिस के आसपास ही रीसाइक्लिंग कंपोस्टिंग कार्बन सिंक कार्बन सिंक का मतलब होता है वो सारे एरियाज जो कार्बन ऑब्जॉर्व करते हैं सीओ टू करते हैं अरे फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट्री उसने इतने पेड़ लगा दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व हो गया टर्मी स्टूडेंट्स क्या ट्रीज डू दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग टर्मी ठीक है, Tell me, क्या फॉरेस्ट्री क्या प्लांट अब्जॉर्व करते हैं सीओ टू कहा जाता है अगर पूरा पेड़ लगा दोगे ना जितनी जमीन में हो सकता है पेड़ लगा दोगे तो बाय डिफॉल्ट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएंगे दैट्स इट वैसे ही किया इसने फॉरेस्ट्री करके ठीक है आपके पास भी अगर जमीन का एक प्लॉट है तो आप फॉरेस्ट्री कीजिए वहां पे, कम से कम कुछ नहीं तो आप नेट आपका कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो जाएगा वर्ल्ड में ठीक है क्लियर आइए आगे बढ़ जाएं ये देखिए अंटार्कटिका के आइस के नीचे 260 किलोमीटर इनसाइड साइड आइस लाइफ एक्सिस्ट ठीक है अब आप बढ़ेगा सर अंटार्क्टिका का आइस कितना थिक है सर कितना थिक है आइस मैंने बताया था आपको अंटार्कटिका की मैपिंग में इट्स अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर थिक ये सरफेस है ये, ये साढ़े तीन किलोमीटर अंटार्कटिका का आइस थिक है ये कम थिक है ग्रीनलैंड का आइस बहुत ज्यादा थिक है इस इज फोर किलोमीटर थिक ठीक है तो अंटार्कटिका के आइस में टू सिक्सटी किलोमीटर बीनीथ द सर्फेस यहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो ये देखिए ये फिशनर रॉन फिशनर आइस शेल्फ यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है रॉन फिशनर आइस शेल्फ ड्रिलिंग किया गया वहां पे ड्रिलिंग करके पता लगाया गया ठीक है ये देखिए रॉन फिशनर आई शेल्फ कहां पे ये देखो जो ये ब्लू एरिया मार्क किया याद है कुछ आपको अंटार्क्टिका का मैं क्या ये लार्सन आई शेल्फ है ये देखिए लार्सन क्या यहीं पे साउथ अमेरिका का टिप है टेलमी क्या यहीं पे साउथ अमेरिका का टिप है टेलमी स्टूडेंट्स साउथ अमेरिका टेलमी ठीक है मार्क कर लीजिएगा ठीक है साउथ अमेरिका का टिप है क्लियर और उसी के बगल में लार्सन आइस शेल्फ और उसी के बगल में रॉन फिशनर आइस शेल्फ ठीक है रॉन फिशनर आइस शेल्फ आपको मैंने मार्क करवाया था रॉन फिशनर एंड रॉस आइस शेल्फ मैंने आपको मार्क करवाया था अंटार्कटिका की मैपिंग तो प्लीज रिमेंबर दिस रॉन फिशनर आइस शेल्फ के नीचे लाइफ पाया गया द क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे द क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे

रॉन फिशनर आइस शेल्फ मार्क कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट यस यस बिल्कुल अगर ये आइस शेल्फ मेल्ट कर गए तो बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी ये पता पताइए आइस के नीचे लाइफ एग्जिस्ट करना अपने आप में स्टंपिंग न्यूज है अमेजिंग न्यूज है हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो वी डोंट नो ठीक है इस पर रिसर्च चल रहा है क्योंकि यहां पे सनलाइट नहीं पहुंचता है दाउट सनलाइट दीज ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइविंग इन साइड तो दीज आर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं स्पॉन्जेस हैं ठीक है स्टॉप्ट स्पॉन्जेस नॉन स्टॉप स्पॉन्जेस ठीक है नीचे में आइस के नीचे ठीक है तो अपने आप में यह स्टम्पिंग न्यूज है शायद ये खराब न्यूज भी रहे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट ठीक है ड्रिलिंग किया गया भाई ड्रिलिंग ड्रिलिंग इंसान के पास मशीन की कमी नहीं ड्रिलिंग किया गया है इन क्या ड्रिलिंग के लिए इतनी इतनी ड्रिलिंग करने के लिए मशीन से है? बिल्कुल मशीन है इंसान के पास ठीक है आप प्लूटो पे जुपिटर पे जाने के लिए बोलो हम लोग अब भी चल चलेंगे ठीक है इतना अच्छा मशीन है लेकिन ग्लोबल ट्रीटी साइन करने के लिए बोलो उसके लिए मन नहीं कर रहा ठीक है ठीक है गॉट द पॉइंट आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स तो ये देखिए अभी किसी ने पूछा था कि सर ये क्रैब क्या है आइए देखिए क्रैब नहीं है ये ये स्क्विड्स हैं स्क्विड्स ये देखिए स्क्विड्स स्क्विड्स ये स्क्विड का डायग्राम है ये द हिंदू में संडे को आया था ठीक है आज डिस्कस कर दे रहे ठीक है Sundays, Sunday, दिस वॉज द ओनली थिंग विच आई डेंट डिस्कस ऑन संडेज फ्रॉम संडे द हिंदू मै दिस न्यूज पेपर स्क्विड्स आर मराइन ऑर्गेनिजम्स चेंजिंग देयर कलर कलर ये कलर चेंज करते हैं ठीक है पीडीएफ में टेलीग्राम पे पुटअप करता हूं रोज डोंट वरी ठीक है <laughs> ये कलर चेंज करते हैं ठीक है इनको खुद ही नहीं पता कब कौन से कलर के हो जाएंगे ठीक है वेरी वेरी इंडिव ठीक है कलर चेंज करते हैं कलर चेंज इनके स्किन का कलर चेंज करता है ठीक है पैटर्न चेंज करता है ठीक है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है हाउ डू दे चेंज द कलर दिस वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन अब आप बोलेगा सर वो कलर चेंज कर रहा है तो हमें क्या मची हुई है कि अब जाके वो कलर चेंज क्यों कर रहा है ये देखें। अरे यही तो साइंस है ना ठीक है यही साइंस है खोज निकाले सब कुछ पृथ्वी पर ठीक है जब पृथ्वी पर सब कुछ हो जाए तो फिर मार्स पर खोज निकाले सब कुछ ठीक है क्लियर तो ये देखिए यह देखिए स्कूड्स स्क्ट्स में देखिए दे आर चेंजिंग द कलर्स एवरी मोमेंट और इसके लिए ठीक है इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल ये देखिए इनके अंदर ग्रुप्स बने होते हैं ग्रुप्स ठीक है स्ट्रक्चर्स हैं स्ट्रक्चर्स ये ग्रुप्स स्ट्रक्चर्स ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स ठीक है ग्रुप्स बने हुए हैं ठीक है डिप्रेशन रेज एरिया डिप्रेशन शरीर के ऊपर ही और उसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स ये देखिए ठीक है लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स ठीक है तो इंसान को भी भाई दिमाग में बीमारी है ठीक थी, ठीक है कि क्यों ये चमक रहा है ठीक है ये क्यों चमक क्यों रहा है चलो खोजते हैं खोजते तो निकल चले तो निकाल खींच कर लाए बाहर उसे ठीक है पहले ग्रूव्स दिखे उसके अंदर ठीक है उबड़ खाबड़ स्किन सरफेस ठीक है रफ स्किन सरफेस फिर उसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स दिख गए ये देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स ये देखिए तब इंसान ने कहा अच्छा इसके लिए चमक रहे थे ठीक है क्या बात है ठीक है इसको, इसको नाम दिया गया ये देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स इन द ये याद कर लीजिए वॉट आर रिफ्लेक्टिंग सेल्स इतना याद रखिए ठीक है अब आप सर, ये ग्रुप्स जो है सर ये आ, कितने कितना आ, आ, फोल्डेड है कितनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इट्स नैनो स्केल नैनोमेट्रिक स्केल ठीक है नैनोमेट्रिक स्केल ठीक है नैनोमेट्रिक्स के लिए देखिए अब इंसान को लग गया नैनोमेट्रिक इसका मतलब है कल को नैनो टेक्नोलॉजी में ये बंदा हेल्प कर सकता है ठीक है नैनो स्केल पर है ये ग्रुप्स बने हुए हैं सेल्स हैं इन शॉर्ट नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अब नया एक रिसर्च शुरू हो गया फोकसिंग अपॉन मराइन ऑर्गेनिजम्स आर यू गेटिंग द पॉइंट क्लियर क्लियर तो ये देखिए स्क्विड्स स्क्विड्स अब सवाल यहां से में आएगा इरिडोसाइट्स व्हाट आर इरिडोसाइट्स दे आर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स दैट्स इट ठीक है व्हाट आर इरिडोसाइट्स दे आर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स फाउंड इन स्क्विड्स स्क्विड्स आर ऑर्गेनिजम्स मराइन ऑर्गेनिजम्स ठीक है और अगर नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल आ गया ठीक है मेंस में नैनो टेक के ऊपर कोई सवाल आ गया मेंस में जीएस पेपर थ्री में डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज ट्वेंटी वर्ड्स ठीक है क्लियर तो दैट्स इट स्टूडेंट स्क्विड्स आप तो समझ में आ गया ना ये स्क्विड है ये केकड़ा नहीं है क्रैब नहीं है ठीक है आइए देखते हैं आगे अगला न्यूज स्टूडेंट्स लास्ट अब हम लोग शिफ्ट करते हैं आज एडिटोरियल पे एक एडिटोरियल है अच्छा एडिटोरियल आया थी? है लेट्स सी ठीक है अ रोड टू प्रोग्रेस ग्रुप आर रफ ग्रुप का मतलब क्या होता है रफ रेज एंड डिप्रेशन वाले एरिया ठीक है ठीक है ऐसे कुछ इसको ग्रुप्स कहते हैं ये देखिए जो बीच में डिप्रेशन वाले एरिया चलिए आगे बढ़ जाए ठीक है स्क्विड से बाहर निकलिए भाई आप लोग भी वैसे ही रिसर्च करना शुरू कर दिए ठीक है बस इरिडोसाइट्स पे फोकस कीजिए नैनो टेक्नोलॉजी में लिंक कीजिए और निकलिए उससे बाहर वो क्यों चमक रहा है चमकने दीजिए उसे ठीक है आइए इतने आगे ये देखिए एडिटोरियल आज आया है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ठीक है इरिडोसाइट्स आर इरिडोसाइट्स आर सेल्स सेल्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस ठीक है ये देखिए देखिए एवरी वन इज गॉट सीरियस अबाउट द न्यूज अबाउट स्क्ट पूरे सेशन में अफगान तालिबान पैक्ट की बात हुई ठीक है वो बटरफ्लाइज की बात हुई रिवर रिवर रिवाइवल की बात हुई ठीक है उसके बाद डब्ल्यू एच ओ की बात हो गई उसके बाद आई एल ओ की बात हो गई नो वन गॉट सीरियस एंड नाउ कम्स एंड एवरी वन इज गॉट सीरियस इरिडोसाइट्स क्या है सर लाइट क्या है सर चमक क्यों रहा है सर ठीक है अरे उससे बाहर निकलिए ठीक है गॉट इट तो ये देखिए एनिमल हजबेंड्री के ऊपर ये पूछा गया है ये एडिटोरियल आया है एडिटोरियल एडिटोरियल इन द हिंदू ठीक है तालिबान भी तालिबान अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है आप लोग उसको छोड़कर स्क्विड्स की तरफ बढ़ चले तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स वाइट रेवोल्यूशन टर्मी वाइट रेवोल्यूशन क्या इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑपरेशन फ्लड जो इंडिया ने अंडरटेक किया था टेमी ठीक है ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन देखिए तो क्या व्हाइट रेवोल्यूशन ने इतिहास रच दिया यस हिस्ट्री वॉज री रिटर्न हिस्ट्री वॉज री रिटर्न मैंने ये आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया हुआ है इंडियन इकोनॉमी में व्हाइट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट अच्छा अगर कोई पूछेगा आपसे देखिए लिखा हुआ है That this has happened despite around a majority of dairy farmers owning only small landholdings. Typically, households are having only 2 to 5 cows. In spite of these, दो से पांच गाय केवल छोटी सी जमीन उसके बाद भी वाइट रेवोल्यूशन एक बड़ा सक्सेस है ये साफ साफ शो कर रहा है एनिमल हस्बेंड्री वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेटिव डू यू एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग बताइए बस पंद्रह मिनट का और सेशन है ठीक है ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज यस वर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टूगेदर कॉपरेशन का ही फोकस है यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर रजिस्टरिंग एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक ग्रुप ऑफ पीपल रजिस्टर करते हैं कि हम ये पर्टिकुलर टास्क देखेंगे दैट्स इट जैसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं शहरों में वैसे ही गाँव में गुजरात में शुरू हुआ था एक सोसाइटी और देखिए उस सोसाइटी का नाम देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आनंद आनंद गांव में शुरू हुआ था इन गुजरात एंड दिस जस्ट ब्रॉड रेवल्यूशन इन द बेल्ट ऑफ गुजरात अमंग्स द फार्मर्स यस वो फार्मर्स जिनके पास बहुत कम जमीन थी स्मॉल लैंड होल्डिंग ओनली टू टू फाइव काउस वहां पर रेवोल्यूशन ले आया ये वाइट रेवोल्यूशन और यही वजह स्टूडेंट्स दैट यही वजह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये इंपैक्ट देखकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इम्पैक्ट देखकर हैव अ लुक इंपैक्ट देख देखकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट फॉर नाइंटी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इलेवन इट इंसर्टेड इट इंसर्टेड कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल नाइनटीन राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव वर्ड एडप्ट किया गया वहां पर इतना याद रखिएगा ठीक है आर्टिकल नाइनटीन वन याद है कुछ राइट टू फ्रीडम्स फ्रीडम्स आपको पूरा अधिकार है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का इतना ही नहीं इसी अमेंडमेंट एक्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी अमेंडमेंट किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सो दैट सो दैट इवन द स्टेट स्टेट मींस अथॉरिटी वर्क्स फॉर प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये देखिए आर्टिकल नाइनटीन वन सी राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन कोऑपरेटिव एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक तरफ से स्टेट अथॉरिटी को कहा गया तुम प्रमोट करो कोऑपरेटिव और एक तरफ से लोगों को कहा गया तुम्हें पूरा अधिकार है कोऑपरेटिव बनाने का ग्रुप बनाने का दैट्स इट और इसी वजह से कॉपरेटिव का पूरा कंसेप्ट शुरू हो गया देश में यही कॉपरेटिव ने कभी हेल्प किया था इंडिया को अपने आप को रिवाइव करने में ये देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ इट्स रिटर्न आउट है स्टूडेंट लेट्स राइट द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन आइए देखते हैं यहां पे क्या क्या हेल्प मिला सबसे बड़ा पॉइंट क्या ये राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट देता है मी स्टूडेंट्स राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट यस यस सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या घर में घर में जो क्या कहते हैं पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी केवल खेती करने में हैज इट डिस्ट्रीब्यूटेड रीडिस्ट्रीब्यूटेड लेबर यस शहर जाने की जरूरत नहीं है कुछ लोग कुछ लोग वर्क कर रहे हैं फील्ड में ठीक है और ये जो डेयरी इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा लेस लेस uh, क्या कहते हैं मीन्स अगर मेहनत में देखिएगा तो क्रॉपिंग से थोड़ा सा कम इस पर फोकस लगता है इसलिए जो घर में महिलाएं हैं और बच्चे हैं कैन फोकस अपॉन द एनिमल हजबेंड्री पोर्शन यस एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इसका मतलब है वुमेन एमपावरमेंट सीनियर सिटीजन एम्पावरमेंट डू यू एग्री स्टूडेंट्स सीनियर सिटीजन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यस ठीक है इवन डिफरेंशियली एबल्ड जो फील्ड्स में जाकर काम नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करना होता है ठीक है तो ये तीन क्या ये स्टूडेंट सेक्शन से क्या वो भी एक सेक्शन है यस लैंडलेस लैंडलेस लेबर्स यस जमीन नहीं है जिसके पास वो जो दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करते हैं उनके लिए क्या ये एक वरदान बनकर आया यस थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट डज दिस सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड क्या इसे पैसे एक्स्ट्रा आते हैं सप्लीमेंट द इनकम यही यहां लिखा हुआ है सप्लीमेंटिंग दल इनकम इनकम ठीक है और यह देखिए फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट देखिए यहां लिखा हुआ है have a look. Uh, क्या इससे ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या ट्रेनिंग के कारण क्या ध्यान दीजिएगा ट्रेनिंग के कारण क्या है ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा टेलमी ह्यूमन कैपिटल यस कैपिटल राइज इन दिलेजेस नेक्स्ट ध्यान दीजिए यहां पर फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या इससे कोऑपरेटिव बनेंगी फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ये देखिए और जब कॉपरेटिव बनेगा स्टूडेंट तो क्या क्या और उसमें अगर वुमेन काम करेंगी वुमेन विल बी द लीडर्स सीनियर सिटीजन विल बी द लीडर्स डिफरेंटली एबल्ड विद द लीडर्स

फॉर लीडरशिप पोजिशन दैट्स इट ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक अगर अगर किसी घर में अगर ट्रेनिंग आएगा एजुकेशन आएगा अवेयरनेस आएगा ठीक है तो क्या उसमें जो पुरानी कंजरवेटिव माइंड सेट है क्या वो ब्रेक करेगा पुराना कंजर्वेटिव माइंड सेट ब्रेक करेगा यह देखिए कंजरवेटिव माइंड सेट विवाह है सिक्स पॉइंट कंजरवेटिव माइंड सेट वि माइंडसेट विल ब्रेक विल गो अवे रिमोट ठीक है पॉइंट uh, क्या डोमेस्टिक वायलेंस रिड्यूस होगा वेरी गुड पॉइंट ये आप लोगों की तरफ से पॉइंट आ रहे हैं बहुत अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस रिड्यूस यस और क्या इससे चाइल्ड लेबर रिड्यूस होगा चाइल्ड लेबर यस जो बच्चे दूसरों के खेत में जाकर काम कर रहे थे क्या चाइल्ड लेबर रिड्यूस होगा रिड्यूस वो अब पढ़ाई कर पाएंगे पढ़ाई कर पाएंगे क्या इससे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा पढ़ाई करेंगे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे आगे बढ़ेंगे यस डेमोग्राफिक डिविडेंड विल इंक्रीज क्लियर इतना ही नहीं एक सबसे बड़ा पॉइंट आया है आज के आर्टिकल में पता है क्या आया ये देखिए वुमेन लेड कंपनीज का राइज हुआ है वुमेन लेड कंपनीज क्या क्या वुमेन लेड कंपनीज वुमेन एम्पावरमेंट इज इट गोइंग टू इज इट गोइंग टू गिव न्यू आइडियाज न्यू इनिशिएटिव्स That न, अलग से कंपनी ओपन कर लो यस और ये देखिए मैनी 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 फैमिलीज अर्नड देखिए यहां पे 88 लाख 88 एट्टी एट लाख रुपीज इन अयर केवल एनिमल हस्बेंड्री से अट्ठासी लाख रुपए एक साल में अर्निंग हुआ है वोमन लेड कंपनीज का ठीक है ग्रुप्स uh, का गांव में ठीक है एक परिवार का अट्ठासी लाख रुपए आ रहा है पांच पांच छे, छे करोड़ में टर्न है ठीक है ये देखिए किसी और का सेवेंटी फोर टर्नओवर टर्न ओवर है इट्स ह्यूज इट्स ह्यूज इट्स जस्ट ह्यूज इट्स माइंड बॉगलिंग इट्स जम्पिंग इट्स अमेजिंग और ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है साफ साफ वुमेन लेट कंपनीज का राइज वुमेन लेट कंपनीज का राइस क्या वुमेन लेट डेवलपमेंट की बात होती है नारी तू नारायणी वुमेन लेट कंपनीज का राइज टेलमी स्टूडेंट्स क्या इसके अलावा क्या इसके अलावा पता है ये इसमें कुछ किया नहीं गया है ध्यान दीजिएगा इस प्रोजेक्ट में ये जो कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई गई इसमें कुछ नया नहीं किया गया जब शुरू किया गया ये एनिमल हस्बेंड्री का प्रोजेक्ट इट वॉज जस्ट दैट मिल्क जो भी ध्यान दीजिएगा जो भी गांव में प्रोडक्शन हो रहा था ठीक है एनिमल्स क्या कहते हैं पर फैमिली देर फाइव टू तो सेवन एनिमल्स ठीक है टू तो टू तो फाइव एनिमल्स जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा था केवल उसको उसको वेस्ट होने से बचा लिया गया रिडक्शन ऑफ वेस्टेज दैट फोकस क्या था सप्लाई चेन पे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज और क्या यही मिल्क पैकेट्स में डालकर शहर में सप्लाई किया गया सिटीज में बस चैनलाइजिंग द सप्लाई चेन चैनलाइजिंग द सप्लाई चेन यस रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड यस बिलिटी इंक्रीज इन दिटीज दैट्स इट इंक्रीज इन दिटीज इंक्रीज इन दिटीज इसीलिए कहा जाता है ना सुनिएगा इसलिए कहा जाता है दैट <laughs> जैसे व्हाइट रेवल्यूशन हुआ था वैसा ही कुछ ऑपरेशन ग्रीन चाहिए इंडिया में ऑपरेशन ग्रीन हैवी हॉड ऑफ इट स्टूडेंट्स ऑपरेशन ग्रीन मैंने ये आपको पढ़ाया है क्लियर ऑपरेशन ग्रीन्स टोमैटो टोमैटो क्या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है क्या बहुत ज्यादा वेस्ट होता है क्या उसको चैनलाइज है यस दैट्स इट ऑपरेशन ग्रीनस जरूर से रेडी कर लीजिएगा इस बार के लिए दैट्स इट स्टूडेंट्स तो ये देखिए एक सवाल यहां बनता है ना एक सवाल बनता है ठीक है एक यहां क्वेश्चन बनता है ठीक है एडवांटेजेस एडवांटेजेस लिख लीजिए यहां पर एग्जामिन एग्जाम इन द एडवांटेजेस एग्जाम इन द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन एग्जाम इन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट Women empowerment and rural development. And rural development. Ten marks, one fifty words. Rural development. Ten marks, one fifty words. Is this clear, students? Tell me in the chat box. Okay. <laughs> Th Examine the significance of white revolution in the field of. 10, 50 words, <laughs> तो ये आज हम क्या, क्या देखा रोड टू प्रोग्रेस ठीक है व्हाइट रेवोल्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रोल ठीक है कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर ठीक है इसके अलावा हम लोगों ने न्यूज में क्या देखा ये देखिए लार्स रॉन फिशनर आइस शेल्फ उसके टू सिक्सटी किलोमीटर नीचे लाइफ पाया गया केवल क्वेश्चन फिशनर कहां पे अंटार्कटिका में ये अंटार्कटिका ठीक है इसके अलावा ये देखिए हम लोगों ने क्या देखा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी डाउन टू अर्थ की दोनों आ, क्या कहते हैं न्यूज कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन दैट्स इट और उसके अलावा देखिए यहां पे इंडिया ताइवान रिलेशन ये देखिए इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ये देखिए लिखा हुआ है semiconductors, बहुत important. Semiconductors पे और टिप्स uh, के ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर तीन कंट्रीज मैन्युफेक्चर करती है इंटेल फ्रॉम यू एस सैमसंग फ्रॉम साउथ कोरिया टी एस एम सी फ्रॉम ताइवान एंड वाई डज इंडिया नीड अ सेपरेट पॉलिसी फॉर सेमी कंडक्टर्स ठीक है और ये देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन हो गया एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ टे और चिप्स मेकिंग इंडस्ट्री फॉर इंडियन इकोनॉमी वॉट स्टेप शुड इंडिया अटेंड कीजिएगा क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा फिर देखिए इसके अलावा हम लोगों ने स्कूट देखा वो चमकता क्यों है ठीक है एट द पॉइंट वाई इज इट शाइनिंग एंड ठीक है कलर कैसे आता है इतना ज्यादा भाई इसके लाइफ में ठीक है भरत पूजा रिवर देखा हम लोगों ने ठीक है भरत पूजा रिवर का मतलब है रिवर को रिवाइव किया जा रहा है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर केरल की ठीक है वुमेन एम्पॉर्मेंट यहां भी केस स्टडी है ये नेक्स्ट वी डॉक्टर अबाउट अ ग्लोबल ट्रीटी फॉर पेंडेमिक्स वी नीड इट ठीक है वाई डू वी नीड इट आई गेव अ क्वेश्चन ओवर दिस ठीक है क्योंकि डब्ल्यू एच ओ फेल कर गया है ठीक है क्या ये ट्रीटी सही होगा कि नहीं नहीं पता है फेल करेगा पास करेगा नहीं पता है जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या आप ये सोच के चलते हैं कि आप फेल करेंगे या पास करेंगे नहीं तो आप इस पर क्यों जज कर रहे हैं डोंट जज नेवर जज एनी थिंग बिफोर द स्टेप इज के इतना याद रखिए कभी जज मत कीजिएगा किसी चीज को मैंने हमेशा आपको कहा इतिहास में कोई भी इवेंट को जज मत कीजिएगा अपने परस्पेक्टिव से यू डोंट द राइट टू जज बिकॉज जजमेंट टू बी जजमेंट टेंट टू बी पार्शियल डू यू एग्री लेट मी नो ठीक है और ये देखिए हार्ट ऑफ एशिया देखा हम लोगों ने अफगानिस्तान का रोल देखा हम लोगों ने ठीक है और डबल पीस क्या होता है हम लोगों ने ये देखा ठीक है उसके अलावा ये बटरफ्लाईज का जितना न्यूज़ आया था पूरे साल भर ये गोल्डन बर्ड विंग इंडिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई ठीक है डिस्कवर किया गया ये कहां पे हिमालय में ये मई 2020 का न्यूज़ है दिस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर ठीक है और ये देखिए दो और स्पीसीज पाई गई ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश से ये जुलाई का न्यूज है कि ये पूरा ईयर गया 2020 का बटरफ्लाई खोजने में ठीक है और ये देखिए अगस्त मल्लाई में आज का न्यूज है रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज एंड मैंने कहा है अगस्त मल्लाई बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ईयर इस बार शायद नीलगिरी से नहीं अगस्त मल्लाई सवाल पूछे जाएंगे यूपीएस डिटेल क्वेश्चन जरूर से याद रखिएगा शेंदुरनी सेंचुरी ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ये नेम्स ऑफ़ फैक्चुअल नहीं है टेक्निकल नहीं अगर फैक्चुअल है तो याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी पेपर आ ने आर एंड शेंदुरनी सेंचुरीज एंड मुंदन थुराइस टाइगर रिजर्व याद कर लीजिएगा एंड इफ यू फाइंड दैट ओके सर बता रहे हैं क्या ये रियलिटी में क्वेशन आए गो एंड सीट इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड एवरी पॉइंट विच आई एम डिस्कसिंग आउट इज रेलिवेंट फॉर यू मैं मैं आपकी आपके लिए जो न्यूज तैयार करता हूं मेरी तैयारी शुरू होती है हर रोज सुबह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड देन आई ऑन टू सी द न्यूज पेपर्स दैट्स इट इस चीज को याद रखिएगा मैं खुद ऐसा फोकस करता हूं दैट ध्यान दीजिएगा मैं खुद ऐसा फोकस करता हूं दैट देख, न्यूज़पेपर देखने के पहले मैं सिलेबस देखता हूं और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखता तब जाके मैं आपको पढ़ाता हूं न्यूज कैसे भी पढ़ाया जा सकता है लेकिन जो सही तरीका है उस एग्जाम में जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका सिलेबस क्या यू मस्ट बी एबल टू नो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए नम्स क्या है भाई पल्स क्या है एग्जामिनर का यू मस्ट सेम क्वेश्चन आर आस इन डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट्स इट रेंडम करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है रैंडम करंट अफेयर रीड यू मार्क्स दैट मी चल यू आप करंट पूरा पढ़ दो पता ही नहीं चलेगा सवाल कहां से आया यू मस्ट सी द्यूज यू मस्ट भी यहां से न्यूज क्या आया था पहले और क्या आ सकता है ठीक है <laughs> इसी चीज पर इसी चीज पर मेरा फोकस रहता है जब मैं न्यूज एक्सट्रैक्ट करता हूं क्लियर अब आप देखिए यहां पे स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि बहुत मेहनत लगती है इसमें इसलिए मैं कहता हूं न्यूज नोट कीजिए ठीक है कितने न्यूज रिपीट होंगे कितने न्यूज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए नोट कर लिया कीजिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं बताता रहता हूं हमेशा और मीन के लिए इंटरलिंक अप्रोच इट माइट बी दैट न्यूज पर डे बहुत ज्यादा बन जाते होंगे लेकिन लेकिन लेटमी टेल यू आपका स्टैटिक का लगभग

एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टैटिक पोर्शन था वो यहां रिपीट हो रहा है आप पढ़ रहे हैं आपको बार बार माइंड में एम्बेड हो जा रहा है एम्बेड छप जा रहा है आपके अंदर आपके माइंड में न्यूज अगर आप ऐसे पढ़िएगा ठीक है तो यही मेरी तरफ से रहेगा कंसेप्ट स्टूडेंट्स और देखिए अफगानिस्तान लोकेशन तो आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा आई के थ्रू लोकेशन में बता देता हूं आप लोगों को मैंने कल बोला था अफगानिस्तान का लोकेशन याद कर लीजिए नेबरिंग कंट्रीज याद कर लीजिए ठीक है और ये देखिए आज मैंने डबल पीस की बात की डबल पीस का मतलब मैं बता दे रहा हूं कुछ बच्चे पूछ रहे द रेस्ट कैन गो ओनी टू वरी ठीक है डबल पीस डबल पीस स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है कहा जा रहा है इंडिया कह रहा है आप इंटरनल पीस भी लाओ इंटरनल पीस का मतलब क्या है तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप था पहले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है आज भी आज भी टेरर अटैक्स करता है और इसको इसको अफगानिस्तान सरकार के साथ में बातचीत ये कर रहा है अब आप तालिबान को क्यों लाया जा रहा है सरकार में लाना पड़ेगा इसके अंदर में आधी टेरिटरी है अफगानिस्तान इसके बिना आप अफगानिस्तान को रूल कर लोगे गवर्न कर लोगे नॉट एट ऑल तो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में पैक्ट कराया जा रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में ठीक है क्लियर और एंड दिस इज बीइंग डन फ्रॉम द अभी तक अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक यूएस की ट्रूप्स है यहां पे यूएस की ट्रूप्स यहां प्रेजेंट है सिंस टू थाउजेंड वन यस तालिबान वाज द ग्रुप इज वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइन इलेवन टेरार अटैक्स नाइन इलेवन टेरार अटैक्स तालिबान का ये एक आर्म था अलकायदा ठीक है उसी समय के बाद अफगानिस्तान पर अटैक किया यूएस ने तालिबान की सरकार थी गिरा दे तालिबान को वहां से नई सरकार बनी अफगानिस्तान गवर्नमेंट लेकिन तालिबान अभी भी कैप्चर किया हुआ उस बेल्ट को फोर्टी सेवन परसेंट एग्जैक्टली एरिया कैप्चर्ड अंडर तालिबान ठीक है और ये देखिए और ये देखिए तालिबान प्लस अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का अब पीस पैक्ट करवाया जा रहा है यूएस कह रहा है मेरी ट्रूप्स कब तक तुम्हारे यहां रहेंगी मुझे विड्रॉ करना है अब सोचिए यूएस के सैनिक कितने दिन से वहां पे हैं सोचिए बहुत खराब बेल्ट है वो ठीक है ड्रॉट एरिया भी है माउंटेन्स हैं केव्स हैं टेर अटैक्स हो रहे हैं मर रहे हैं वहां पर यूएस के ट्रूप्स विड्रॉ करने की बात हो रही है तो अब विड्रॉल विड्रॉल करने की बात आगे बढ़ गई है पीस पैक्ट करवाया जा रहा है और इसीलिए इंडिया भी गया है पीस पैक्ट करवाने की इंडिया कह रहा है आप अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल पीस ले आओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल पीस अपने देश के अंदर शांति प्रॉस्पेरिटी लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तालिबान अगर अफगानिस्तान सरकार के साथ में सरकार बनाएगा आगे चलकर ठीक है तो इट डजंट मीन दैट यू विल स्टार्ट यू स्टार्ट इरिटेटिंग द नेबरिंग कंट्रीज ये नहीं ये नहीं वाजिब है ये नहीं एक्सेप्ट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इसीलिए प्लीज फोकस अपॉन रीजनल पीस है आस, आस पास के देश जो भी देश है इंडिया ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान ईरान जो भी देश है ठीक है ठीक है उन सारे कंट्रीज या हम सारे कंट्रीज यहां पर एशिया के सारे कंट्रीज रीजनल पीस चाहते हैं तो प्लीज इंडिया कह रहा रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज रीजनल पीस पे भी फोकस कीजिए ठीक है उसामा बिलोंग टू अलकायदा ग्रुप अलकायदा वॉज द एक्सट्रीमिस्ट आर्म ऑफ तालिबान ओसामा उमा नालि बिलोंग टू अलकायदा ग्रुप अलकायदा अलकायदा अभी डिफंक्ट हो चुका है अफगानिस्तान में यह बाहर एग्जिस्ट करता है सोमालिया में और इसी के इसी के मेंबर्स इस्लामिक स्टेट आगे चलकर इसी के मेंबर्स ने बनाया था इस्लामिक स्टेट इराक में ठीक है तो इतना मेरी तरफ से आज सफिशियंट है आप लोगों के लिए इतना मैं बता दूं कैसे बैक ऑन ट्रैक आ जाए प्रिपरेशन के लिए देखिए जब जब आपको डिप्रेशन आएगा पर वीक एक बार तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा डिप्रेशन से हटने के लिए एक बहुत सटीक रास्ता बता रहे हैं पहला पॉइंट आपके जो भी पुराने नोट्स होंगे करंट अफेयर्स के जो भी नोट्स बनाए होंगे प्लीज उसको एक रिवीजन दीजिए टू आवर्स रिवीजन इज बाय डिफॉल्ट यू आर सीइंग योर ओन हार्ड वर्क डन इन द पास्ट टू मंथ्स थ्री मंथ्स रिवीजन करके पता है क्या होता है वो आधे घंटे ना आपको एक ऐसे इंजन में कन्वर्ट करता है इंजन में रॉकेट इंजन में कि उसके बाद आप मार्स पे चले जाइएगा ठीक है रिवीजन कर लेते हैं ना उसके बाद अगर एनॉन मस ला करेंगे मार्स चलो अब मार्स नहीं जुपिटर चलो प्लूटो चलो ठीक है सोलर सिस्टम के बाहर चलो इतना एनर्जी आ जाता है है रिवीजन में ठीक और यही वजह स्टूडेंट्स ठीक है यही वजह दैट मैं बार बार रिवीजन पे फोकस कराता हूं और मैं बार बार कहता हूं नोट्स बनाइए बुक में मार्किंग से काम नहीं चलेगा इवन टूडे आई सी माई नोट्स आई फील वेरी वेरी मोटिवेटेड ठीक है और इसलिए सबसे सटीक तरीका रिवीजन करके वापस बैक ऑन ट्रैक आना नोट्स देखकर अपना बहुत आ, फेवरेट बुक देखकर कोई भी ठीक और इसके अलावा अगर फिर भी डिप्रेशन सेट करता है दिन में कभी तो मैं कहता हूं उस समय कोई फैक्चुअल कंटेंट है उसका एक चार्ट बना लीजिए ठीक है मेक मींस मेक योर प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग फॉर एग्जांपल आपने कल ओ अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ठीक है अरब लीग एंड जी मैंने uh, कल क्वेश्चंस पूछे थे उसके ऊपर ओआईसी के ऊपर अरब लीग के ऊपर ठीक है अब ध्यान दीजिएगा तुरंत टेबल बना लीजिए इट जैसे ही टेबल ए फोर साइज पढ़ने पर ताकि आपकी प्रिपरेशन में बोरियत भी ना हो आपका एक नया कंटेंट तैयार हो जाए दैट्स इट दैट्स इट मैं जब भी आई गेट मीन

कल मैंने कहा था एलिफेंट का टेबल बनाइएगा सवाना का एलिफेंट अलग इंडिया का एलिफेंट अलग ठीक है वो एलिफेंट भी कह रहा है कि टेबल बना ही लो आप ठीक है बहुत दिन हुआ आ, क्या कहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू कर दो क्या भरोसा इस बार वही सवाल आ जाए एलिफेंट पे यूपीएससी बहुत फोकस्ड है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन उसके पिछले साल भी क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ठीक है तो दैट्स इट स्टूडेंट्स मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग ये देखिए अगस्त मल्लाई मैं आपकी जगह रहूँगा मैं एक मैप बनाऊंगा देखिए मैं तो जब जोग्रफी ऑप्शनल मेरा जोग्राफी ऑप्शनल है ठीक है prepare, जब भी मैं बोलता था मैं एक नया मैप ठीक है रिसोर्सेज का ठीक है इसीलिए मैप बनाना मेरे लिए आसान हो गया आपने देखा होगा आई मेक अ मैप विद इन हार्डली इट टेक्स मी फाइव सेकेंड्स ठीक है और कॉपी पर तो तीन चार सेकेंड में तुरंत तुरंत बन जाएगा पॉइंट ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी है बस मैप बनाइए ठीक है कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ मार्किंग कर दीजिए ठीक है आपको फायदा ही होगा इट तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफी है ठीक है यस मेरी तरफ से इतना रहता है कि बहुत ऑनेस्ट तरीके से बहुत वर्क करके मैं ये सेशन लाता हूं ठीक है तो काइंडली शेयर भी कीजिए लाइक like भी कीजिए ठीक है जान मैं बता दूं आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में समय से कहीं ज्यादा आपका एनर्जी और आपका दिमाग कंज्यूम हो मैं इसको कहता हूं जान लगाना अपनी अपना सर्वस्व लगा देना वही मैं करता हूं रोज सुबह so like mm -hmm. well आप लोग शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड यू कैन कंपेयर द करेंट अफेयर्स अक्रॉस वेरियस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल एंड मीन आप कंपेयर कर लीजिए ठीक है सबका अच्छा होगा मैं बस इतना रहता है कि ऑनेस्ट तरीके से जितना कवर हो पाए मैं कवर करके लाता हूं ये करंट अफेयर्स न्यूज आपके हाथ में देने ठीक है दैट्स इट स्टूडेंट्स ये टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग अंडर स्कोर सिंह जुड़ जाइए और लाइक कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए ठीक है क्वेश्चन विच आई एम डिस्कसिंग इन ईयर प्रियम्स एंड मीन दैट आई कैन एश्योर यू जाकर आपको विश्वास हो जाएगा वो के सर ऐसे पढ़ा रहे थे सर कैसे पढ़ाने से फायदा होता है ठीक है चलिए स्टूडेंट्स नमस्कार जय हिंद टेक केयर गिव योर बेस्ट जान लगा दीजिए उससे कम में नहीं चले बाकी लोग जान लगाए हों ठीक है भूखे रह के भी तैयारी कर रहे हैं आपको भी तैयारी कर ठीक है अपना वजूद एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और किसी के सामने हो ना हो खुद के सामने अपना वजूद आप कौन है आपके नाम का मतलब क्या है आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा था कुछ सोचकर उस नाम के आगे एक उपलब्धि एक अचीवमेंट अटैच कर दीजिए यू कैन डू फॉर योर पेरेंट्स टेक केयर नमस्कार जय हिंद विल मीट अगेन इन द इवनिंग इन द एम सी क्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन